हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास में जो है एक फॉर्च्यून टेलर बैठे हुए हैं, बल्कि मैं आपको क्या बोलूं कि आज वो एक सफल एक्टर तो ही है, बल्कि मैं एक उनकी खासियत बताना चाहूंगा जो शायद आपको एग्री करना ही होगा। जितने भी कॉमेडियंस हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जब वो मुंह खोलते हैं या जब वो एक्ट करते हैं, तब आपको उनसे हंसी आती है या आपको उनका ह्यूमरस इफेक्ट आपको मिलता है सिनेमा हॉल में। लेकिन हमारे सामने जो अभी एक्टर हैं, वो ये हैं कि जब उनका चेहरा आ जाता है स्क्रीन पे तो स्क्रीन स्पार्क हो जाता है। अगर वो फिल्म फ्लॉप भी हो तो क्या हुआ, लेकिन वो 3 मिनट भी, वो 3 घंटे के बहुत ही अच्छा, एक जैसे बोलते हैं पैसा वसूल हो जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में कि इन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, जैसे कि स्वदेश, जैसे कि लगान, और तो और ये तो भाई ओ गॉड, तुसी ग्रेट हो भाई। इनफैक्ट मेरे बहुत बड़े चहेते हैं और बहुत ही जेम ऑफ बॉलीवुड है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मे हैव अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस सच अ सोफिस्टिकेटेड एंड अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री। प्लीज वेलकम मिस्टर राजेश विवेक। राजेश जी, थैंक यू सो मच। अच्छा राजेश जी, पहले तो ये बताइए कि ये स्पार्क जो है, लोग ये कहते हैं, क्योंकि जब मैं सिनेमा हॉल में बैठा हुआ था, जब स्वदेश फिल्म देख रहा था, वाकई में वो फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हिट तो नहीं हुई, वो फ्लॉप तो हो गई, लेकिन वो जो 3 मिनट जो आपने, ये 6 मिनट जो आपने आए, जब भी आप आए स्क्रीन पे, तो मैं जब देख रहा था सिनेमा हॉल में कि कम से कम 90% लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे आपको देखने, आपने जब मुंह नहीं खोला। सवाल ये स्पार्क कहां से आया भाई? ये एक मेडिटेशन का प्रोसेस है, और ये बचपन से मुझे फादर मदर, जो हमारे फर्स्ट गुरु हुए, मदर हमारी, हमारे फादर, उनमें ये संस्कार था और वैसा माहौल था जिसमें मैं कि जब भी रामायण हो या रामचरितमानस पढ़ते थे या गीता पढ़ते थे, तो मैं अपने को मतलब कहीं ना कहीं एसोसिएट करता था कि मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं परशुराम हूँ, मैं रावण हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो ये जो चलता था, इसमें मेरी छाती चौड़ी जाती थी और चेहरे पे ग्लो आ जाता था, और मैं सुनता था फादर अगर मुस्कुराते थे तो मैं भी मुस्कुराता था, अगर वो रोते थे तो मैं भी रोता था। तो बचपन में ही मुझे घर से ही ट्रेनिंग मिल गई। तो फिर उसको मैंने कहा कि अब मैं क्या बनूँ। तो स्कूल से कॉलेज में आते हो गया कि मैं मिलिट्री में चला जाऊँ, मैं अपना एनडीए में चला जाऊं, मैं कहाँ करूं, मैं सर्कस में चला जाऊं, मैं स्पोर्ट्स गेम्स जितने भी हैं फील्ड में आपके स्कूल कॉलेज के, क्रिकेट, फुटबॉल, अपना बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स जो एनुअल होता है उसमें सारे में पार्टिसिपेट करता था। यानी स्पोर्ट्समैन भी मैं चैम्पियन स्पोर्ट्समैन भी था, इसको कहते हैं जिम का भी चैम्पियन था, स्पोर्ट्स में भी था, और फिजिकल में भी मैं मिस्टर कॉलेज भी रहा, तो फिर क्रिकेट का कैप्टन भी हो गया। फिर उसके बाद ये लॉन्ग जंप, हाई जंप रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, इस सब में पार्टिसिपेट करने लगा। फिर उसके बाद जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इस सब में भी फर्स्ट सेकंड ये सब मेरा चलता, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद अपना रीजनल लेवल पे, ऐसे ऐसे करके। फिर भी मैंने कहा यार मैं तो कुछ भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। तो फिर कहाँ जाने का, फादर हमारे चाहते थे कि मैं या तो डायरेक्टर बनूँ कहीं, या तो प्रिंसिपल बनूँ, यानी अथॉरिटी एकेडमिक फील्ड में जाऊं। तो मदर हमारी जरा आर्टिस्टिक एटीट्यूड की थी, पोएट टाइप की थी, तो हम भी बचपन में उनके साथ पोएट्री वोट्री अपना करती थी, लिखती थी, तो मेरा भी मन करता था। 7 साल की उम्र में मैंने एक पोएट्री लिखी थी, मुझे याद है, जो कि पब्लिश हुई थी अपना बाल उसमें सेक्शन में, चिल्ड्रन सेक्शन में, वो थी कि हिमालय के दर्रों में चीनी घुसे उन्हें मारने में अकेला चला हूँ, अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, फिर भी मैं उन्हें मारने चला हूँ, ये वीर सुभाष की याद आते ही मुझ में शस्त्र से लैस होकर लड़ने चला हूँ। जब चाइना ने वार किया था उस वक्त, जब तिब्बत ले लिया था चाइना ने नेहरू के टाइम में, उस वक्त मुझे बड़ा बुरा लगा था, और तब मैंने ये कविता रची थी, ये मेरी पहली कविता थी। तो मैं मतलब कहने का करना, ये करना, जैसे कि रविनाथ टैगोर शांति निकेतन में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो वो बचपन में मैंने पढ़ा उनके बारे में कि वो बहुत, और जैसे विवेकानंद थे वो स्पिरिचुअलिज्म के, मैं रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, मगर शिकागो में उन्होंने जो माय डियर फ्रेंड्स, माय ब्रदर एंड सिस्टर करके जो उन्होंने शुरू किया, और शून्य के ऊपर इतना बोला, भारत को जो है विजडम का खजाना बोला, तो ये कहने का कि इन लोगों से प्रभावित होकर बचपन में, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे उनके राइटर्स हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे रामचरितमानस के गुरु गोस्वामी तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे वो कबीरदास हो, जो संतों संत की परंपरा में सबसे पहले आए, गुरु नानक देव हो, चाहे राधा स्वामी दयाल हो, सब बचपन से ही जैसे मेरे
खूब ब्लड में मेरे जिसको कहते हैं मेरे सिम्टम्स में जैसे रच गया, बस गया था। ये बताइए कि जैसे आपने लगान फिल्म में करी और इतनी बड़ी सक्सेस हुई, ऑस्कर में भी गई, सवाल ये उठता है कि उस समय आपने फॉर्च्यून टेलर का जो है रोल निभाया, आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं? और क्या अगर करते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर को आपने दिखाया कि भाई मुझे एस्ट्रोलॉजी का रोल मिलेगा, या एस्ट्रोलॉजी के प्रति रुझान भी कुछ है आपका? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ, इट इज ए बिग साइंस नो डाउट, मगर मैं उसमें बल्कि हमारे घर में फादर, हमारे ब्रदर वगैरह ये सब इंटरेस्टेड थे और मैं भी थोड़ा हुआ थोड़ा सा, मगर फिर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप एक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, ये तो किसी ने नहीं बताया एक्टर, मगर ये कहा कि या तो ये उत्सुकता थी आप, मगर एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये जरूर बताया, मेरे फादर मदर को भी बताया कि या तो ये राजा होगा और या तो फिर ये साधु होगा। अच्छा। तो मतलब या तो सेंट होगा और या तो फिर किंग होगा। तो मैं सुन के बचपन में हंसता था कि मैं जानता नहीं था कि मैं क्या बनूंगा, मगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये नहीं बताया कि आप एक फिल्म में एस्ट्रोलॉजर का रोल करेंगे। अब हमें तो एक माने में देखा जाए तो तांत्रिक मांत्रिक होलिया पीर दरवेश साधु सन्यासी ऋषि मुनि ये सब तरह के चरित्र मैंने वेद व्यास किया, बताओ महाभारत में बीआर चोपड़ा ने मुझे वेद व्यास का रोल दिया, मैं जबकि करने गया था भीष्म पितामह का रोल, मगर वो एक दिन पहले वो उसको मिल चुका था वो खन्ना मुकेश को, तो मैं सोचने लगा मुझे क्या मिलेगा, तो उनका वेद व्यास हुआ, आप उनके बड़े भाई और गणपति ने आपके इशारे पे जो है पूरी महाभारत लिखी थी और आप बोलते गए थे और आप ब्रह्मा से आपको वरदान मिला था और ये हो, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है। तो फिर मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद फिर एक्वेंटेड हुआ, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में जो वो चाहते थे वो मैंने करने की कोशिश की और लोगों को बहुत अच्छा लगा, मतलब कि आयुष्मान हो, यशस्वी भी हो, मनस्वी हो, राजस्वी हो, चक्रवर्ती हो, दिग्विजय हो, अखंड सौभाग्यवती हो, सबको आशीर्वाद देना, कृष्ण जो है हमारा पैर धो करके सोने की थाल में क्या कहते हैं चढ़ामित बना के पी रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि इतना बड़ा सम्मान उससे मिला और फिर वहां पे लोग पूरी दुनिया में उस फिल्म को देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं और मुझे हॉलीवुड की फिल्में मिल रही हैं बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टर। तो मैं सोचने लगा यार आदमी जब भी कुछ करता है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका परिणाम, उसका लाभ या उसका प्रसाद या उसका जो है फल उसको तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं है, वो हो सकता है लॉन्ग टाइम लगे, मगर वो जो किया है वो याद रहता है लोगों को, फिर जब वो प्रोजेक्ट कभी इनके मन में आता है कोई बनाऊंगा तो इसको लूंगा, ऐसे हॉलीवुड से लोग हमारे पास आए और फिर मैं उनकी फिल्में कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैं जानना चाहूंगा कि फ्लैशबैक की हम बात करें तो आपका बचपन कैसा रहा, आप कहाँ से आए हैं, आपकी जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई, जानना चाहेंगे बचपन में भी क्या आप इतने ज्यादा शरारती और इतने ह्यूमरिस्टिक थे, आप क्या वहाँ पे भी क्या बहुत रुक रुक के और स्पार्क जगाते थे टीचर लोगों के लिए क्या? बहुत बहुत ज्यादा, हमारी पर्सनैलिटी में पता नहीं क्या कुछ गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसा है, क्योंकि क्या हुआ, अब एक दिन स्कूल में की बात बताता हूँ, अब माँ तो हमारी क्या करती थी, जैसे कोई भी आया, रामनवमी आई तो मुझे राम बना देती थी, परशुराम की जयंती आई परशुराम बना देती थी, कृष्ण की जयंती आई तो बलराम बना देती थी, मतलब कहने का यह है कि माँ स्कूल में मॉन्टेसरी में भी वो मुझे सजा हो जाके भेजती थी, मुकुट वुकुट बना के, बहुत आर्टिस्टिक थी हमारी माँ, उसी असल में पहली गुरु वही थी और उसी ने मुझे इस कला क्षेत्र में जाने के लिए कहा तो नहीं, मगर मैं खुद महसूस कर लगा कि मुझे आना चाहिए। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था इंटर में और मैंने राणा टिकरीना का मैं डिसाइड कर रहा था फाइनल ईयर में, मेढक होता है वो, तो उसमें क्लोरोफार्म उसको कम सुंघाया था तो वो मेरे ऊपर जंप कर गया, तो पूरा सब कटा खटा मेरे मुंह पे आ गया, मैंने उसी दिन वो सब्जेक्ट छोड़ दिया, जबकि टीचर हमारे चाहते थे कि मैं वो सब्जेक्ट में सरपास करूं और फिर उन्होंने भी वो, फिर वो भी ज्यादा दिन नहीं गुजर गए इस अफसोस में कि मैं उनका स्टूडेंट था और अब नहीं हूं। दूसरे दिन मैंने फिर सब्जेक्ट चेंज करके मैं आर्ट साइड में आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से कोई मरे और फिर उसके बाद मैं चूंकि ब्राह्मण हूं, मगर ब्राह्मण का मतलब ये जो ब्रह्म को जानता है, मगर हम लोग ब्राह्मण जो हैं ये बहुत ही धकियालूसी और ढकोसले वाले हो गए हैं और बहुत कर्मकांड में बिजी हो गए, ये परसेंटेज 99% है इन लोगों की, मगर 1% ब्राह्मण शायद, मेरा ख्याल मेरी तरह होगा, जो कि मतलब बाहर आडंबर में ना फंस करके बल्कि अंतर्मुखी यात्रा जो है मालिक के दर्शन करने की, उस प्रोसेस में जो माँ का सेक्ट था हमारा, फादर तो हमारे समझ लीजिए भगवान कृष्ण ही थे और हमारी माँ जो थी वो संत परंपरा की थर्ड गुरु रामस्वामी दयाल जो फेथ के हुए महाराज साहब जो बनारस में जिनकी समाधि है, तो वो हमारे परनाना थे, तो वो संस्कार मुझे माँ से मिला है, पिताजी से मिला है, पूरा दुनिया में रक्षत एक क्षत राज्य करने का। तो सवाल उठता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ मुझे एटमॉस्फेयर, फिर पे मैंने जो देखा तो स्पोर्ट्स गेम्स का स्पोर्ट भी उसमें मैं जाने लगा, तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस प्रोसेस में,
मैंने सोचा कि सब कुछ करने के लिए तो बस एक ही चीज है कि आप या तो स्टेज पे सब तरह के रोल कीजिए और या तो फिल्म में जाइए ताकि सब तरह के रोल आपको मिलेंगे, जो आप चाहे आप बैरिस्टर बनना चाहें, चाहे आप राइट डायरेक्टर बनना चाहें, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहें, चाहे आप जो भी कैरेक्टर करना चाहें, तो आप स्टेज पे कर सकते हैं अगर आपके पास स्क्रिप्ट है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं, कैसे भी करके आप कर सकते हैं, और फिल्म में सीरियल में भी आप इस तरह से अपने को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी और सब उसमें हम हमारे सहायक होंगे। जैसे कि मैंने स्कूल में अगर सबसे पहले प्ले किया तो वो था भगवती चरण वर्मा का, जो क्या था दो कलाकार, तो उसमें मैं पोएट बना था और मेरा एक साथी था जो बीएससी में पढ़ता था, वो तब वो इंटर में था, वो तो वो बना था पेंटर, तो वो मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि हाँ तरह तरह की रामलीला ये सब पूरा नाटक वाटक होते हैं, मैं थोड़ा एकेडमिक कुछ करना चाहता हूँ जो हमारे कोर्स में है। क्या कोर्स में? हमने कहा दो कलाकार, भगवती चरण वर्मा का नाटक है, एकांकी नाटक है, करो। तो मैं तैयार होकर के जब उनको दिखाया तो बड़े खुश हुए, तो फिर स्कूल के लिए मैंने फिर किया उसको। फिर उसके बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती का एक नाटक था आवाज का नीलाम, जिसमें मैं एडिटर बना था एक पेपर का, वो मैंने किया, फिर उसको वहां पे किया, फिर नेशनल, फिर उसको मैंने टीडी कॉलेज जो वहाँ का पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था वहाँ पे किया, वहाँ की प्रिंसिपल से परमिशन लेके किया, फिर मैं उसके उसको कंपटीशन में ले गया सीएमपीटी कॉलेज दिल्ली में, अरे इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में जाकर के वहाँ पे मुझे वो जब मैंने किया तो मुझे बेस्ट एक्टर का रोल और बेस्ट डायरेक्टर का मिला, मतलब ट्रॉफी भी मिल गई और कप भी मिल गया, अरे मेरी तो वाचे खिल गई, मैंने तो कहा कमाल हो गया, फिर लाके मैंने पापा को दिखाया, फिर पेपर में भी आ गया, फिर मैंने प्रिंसिपल को जाकर के सब ट्रॉफी भी दे दी, कप भी दिया, नहीं कप तुम अपने पास रखो, ट्रॉफी मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि ये चल है तो फिर ये अगले साल जब होगा तो फिर तुमको ले जाके जमा करना पड़ेगा, फिर अगले साल जब जीत के लाओगे फिर तुम्हारी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो फिर इस प्रोसेस में मैं फिर बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो एक चीज धीरे धीरे मैं गेन कर रहा हूँ और वो है स्टेज पे जो हमारी प्रेजेंस, जो भी एक्टिंग करता हूँ वो, तो लोग बड़े ओवरवेल्म्ड होते हैं, इसलिए फैंस बोलते हैं गॉड टू सी ग्रेट हो। हाँ गॉड टू सी ग्रेट में भी रूमी जाफरी ने जब मुझे कैरेक्टर सुनाया तो मुझे बड़ी कि आप ही के कंबल में घुस के सलमान आपकी कमेंट्री सुनता रहता है, तो मैंने कहा जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। अच्छा ये बताइए राजेश जी कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं और बॉलीवुड में आपने अपनी धाक जमाई, ये मुंबई शहर आना और उत्तर प्रदेश शहर से ये मुंबई आना, लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाती है। सवाल मेरा ये है कि क्या मुंबई अच्छा है अभी भी आज की आपके लिए, अभी भी आपका गांव ज्यादा अच्छा है? अरे यार तुमने तो कमाल ही क्वेश्चन पूछा है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने तुम्हें बताऊं, जब मैं ये सब करते हुए जब मैं हाई स्कूल में था तो सबसे पहले ये सब प्लेस वगैरह करने के पहले ही मेरे दिमाग में तक फिल्म में जाना है, एक्टर बनना है, तो वो क्योंकि मुझे लोग, मैं तरह तरह का बंदर भी बन जाता था कभी, क्या लोगों को हंसते थे लोग मेरे ऊपर, हंसते थे लोगों का, इंटरटेनमेंट होता मुझे देख करके, इंटरटेनमेंट होता था, तो कोई मुझे मंकी कहता था, कोई मुझे डंकी कहता था, तो मैं सुनता था और फिर वैसा हरकत भी कर देता था कभी कभी, तो और हंसते थे, तो ऐसे ही इसी प्रोसेस में, अच्छा मैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह भी बनाना धीरे धीरे शुरू कर दिया, मैंने कहा यार इसके लिए पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, अब तो एब्स एब्स वगैरह हो गए, नहीं तो मैं बड़े अपने बड़े ही जिसको कहते हैं एक ढंग से। आप कितने एज के हैं अभी आप फिलहाल? अभी मैं 65 का हूँ। नहीं मैं बच्चा ही बना, मैं अपने अंदर अपना एक बच्चा है मेरा, वो बच्चा मैं हमेशा बनना चाहता हूँ, वो बच्चा जो है जैसे टुकुर टुकुर चांदा मामा को देखता है, या टुकुर टुकुर वो सूरज निकलते हुए भगवान सूरज को देखता है, या फूल खिलते हुए देखता है, तितली उड़ती हुई देखता है, तो वो बच्चा मेरे में हमेशा जीवित रहता है और मैं उस बच्चे का गुलाम हूँ। हाँ तो अब मैं बताऊं तुम्हें कि ये मेरा राज है हेल्थ का, कि मैं बच्चा बना रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमसे जानने वाले बहुत है दुनिया में, हमसे ज्यादा बहुत कुछ जानने वाले ज्ञानी लोग पुरुष भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सब कुछ है, धनाढ्य है, कब, मगर मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग तो इन द फ्रंट ऑफ देम, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि मैं मालिक का बच्चा हूँ। ये बताइए कि आपने लगान में भी काम किया, स्वदेश में भी काम किया, वो चार मिनट तो आपने स्टील तो शो कर देते हैं, ये जो कॉमेडी का जो नया जो आपने री इन्वेंशन जैसे बोलेंगे, जो लोगों के लिए आपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आप छोड़ गए सबके लिए, और आपने ये चेतावनी दे दी कि भाई एक कॉमिक एक्टर ऐसा भी होता है आज देश में जिसको देख के मुंह खोले बगैर ही लोग जो है बड़े इंतजार करते हैं आपके, वो सीन का लोग इंतजार करते हैं और इसी वजह शायद दूसरी बार पिक्चर देखने भी जाते हैं वो, तो सवाल ये है कि ये री इन्वेंशन ये कहाँ से सीखा, ये मतलब ये कहां से आपने प्रेरणा ली है, अंदर की बात के ये पोल जानना चाहेंगे आज हम। नहीं बहुत अच्छा तुम्हारा ये क्यूरियोसिटी है, बहुत अच्छी है, लाइक ए बिग बॉय। तो अभी क्या है कि मैं सच्ची बताऊं
कि मैं अपने फादर और मदर को बहुत ही गौर से, जिसको कहते हैं, ऑब्जर्व करता था. तो उन लोगों के बीच में मुझे बहुत कॉमेडी दिखाई देती थी कि फादर की मेंटेलिटी इस पर कुछ और कह रही है, मदर कुछ और चाहती हैं, और इन बिटवीन मैं दोनों को ऑब्जर्व करता था. तो मैं सोचता शायद ये जवाब मिलेगा, मगर जवाब कुछ और होता तो मैं हंस पड़ता था. तो क्यों हंसे? मैं कहता था मैं समझ रहा था कि आप सही हैं, मगर मुझे लगा मम्मी सही है. तो पापा कहते थे कि मम्मी मैं सही रहता हूँ हमेशा. तो मैं कहता था हाँ हाँ आप ही सही हैं. फिर मम्मी को कहता अकेले जाके, मतलब मम्मा तुम ही बिल्कुल सही रहती हो, तुम ही सही रहती हो मम्मी, तुम ही एकदम परफेक्ट तुम हो. तो फिर ये जो हमारा, तो इसमें मैं जो इंजॉय करता था बचपन में, जितना मैं इंजॉय फादर मदर के साथ मैंने किया है, वो यादें मेरी अभी भी हमारे अंदर हैं. उनको मैं हमेशा याद करता हूँ कि फादर मदर के लैब पे हूँ, मैं उनकी गोद में हूँ, वो मेरे से दूर नहीं है, हमेशा मेरे साथ है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ. तो मैं एक बात और बताऊँ, बीच में रह गई थी वो ये बात कि मैं बहुत कोशिश किया मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए. सबसे पहले मैंने एक यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कंटेस्ट हुआ 1962 में, तो उसके लिए मैंने आवेदन किया. जौनपुर में रहते हुए ही अपने बर्थ प्लेस पे था मैं, जहाँ होम टाउन, तो वहां किया. तो उसमें सिलेक्शन, मुझको बुलाया नहीं कुछ नहीं, मगर उसमें सिलेक्शन धर्मेंद्र जी का हुआ. मैंने कहा यार इसकी पर्सनालिटी है, ये बात अच्छा इसलिए हुआ. तो मैंने कहा चलो अभी ऐसा करेंगे कि अगले साल जब होगा, या अगले साल जब होगा तो उसके लिए प्रिपेयर होंगे. फिर 65 में फिर हुआ वो, 62 के बाद 65 में. तो 65 में जब फिर मैंने, फिर मुझको नहीं बुलाया कुछ नहीं, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं. फोटोग्राफ ये वो, कैसे पॉकेट मनी से कैसे कैसे करके मैंने बड़े बड़े फोटोग्राफ, ये प्रोफाइल सामने स्टैंडिंग, ये पोज सामने सब दिया हुआ बड़ी स्टाइल से, कुछ नहीं बुलाया. उसमें राजेश खन्ना का हुआ. मैंने कहा मेरे में क्या कमी है, मैंने कहा क्या करूं, ट्रेनिंग लूं क्या करूं. अब देखो ये से, फिर मैंने कहा पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में चलता हूं. अब 68 में जब पूना के लिए मैंने कोशिश की तो वहां पे भी मुझे नहीं बुलाया. मैंने कहा यार अब क्या करूं, फिर मैं कैसे करूं, कैसे जाना है मुझे. तो फिर इस वहां पे फिर मैंने एक बार फिर फाइनल ट्राई किया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए. तो वहां पे जब मैं पूना में कर रहा, तो हमारा वेन्यू दिल्ली में था, रविंद्र भवन में, जहाँ इब्राहिम अलकाजी साहब हमारे डायरेक्टर थे और जगत मुरारी पूना फिल्म शूट के थे, कामनी कौशल आई हुई थी वो जज बन करके. तो उसमें मेरा नहीं हुआ, मगर मेरी फोटो छप गई. दूसरे दिन पेपर में मेरी फोटो छपी थी स्टेट्समैन में, पहली बार बड़ी फोटो, बैकग्राउंड में ये लोग बैठे हुए हैं, टैलेंटेड गाय डिस्प्लेइंग हिज हिस्टोरिक्स बिफोर द पैनल ऑफ जजेस करके उसके नीचे लिखा हुआ था. अब वो पेपर देखा मैंने तो चांदनी चौक में, वो भी मैं जलेबी डुबो डुबो के खा रहा था दूध में, और दारा सिंह वहां पे खड़े थे, वो कह रहे थे जितनी भी खाएगा मैं खिलाऊंगा. और मैं बड़ा उनसे इन्फ्लुएंस हुआ था, उनकी पर्सनैलिटी से, दारा सिंह साहब से, क्योंकि वो भी अचानक वहीं पहुंच गए थे जलेबी खाने. और तब तक एक लड़का आया, वो बनारस का था और मेरा मित्र था, और उसने मुझे गोद में लेकर नाचना, मुझे हवा में नाचना शुरू कर दिया. मैंने कहा क्या हुआ, अरे तेरी फोटो छपी. मैंने कहा, तो फिर सामने गया, अखबार लेके आया, उसमें मेरी फोटो, मैंने दारा सिंह को दिखाया, कह रहे वाह आप, तेरे को एक गिलास दूध और पीना पड़ेगा, तो और दू उसको जलेबी दो, ये दो वो दो. तो मेरा ये जो पहला वो हुआ, इतना विस्फोट वाला हुआ वो, कि उसके बाद में जा करके बड़े इत्मीनान से मैंने कहा तो मेरा टॉप पे होगा नाम. गया तो वहां पे भी मेरा नाम नहीं सिलेक्शन में, क्योंकि फोटो छप गई है, फोटोग्राफर की नजर में मैं हूँ, मगर उनकी नजर में क्यों नहीं हूँ. तो मैंने फिर पता लगाया स्कूटनी की, तो पता चला कि मुझे वहां ना भेज करके अलकाजी चाहते थे कि मैं 2 साल का कोर्स पूना में ना करूँ, 3 साल का कोर्स मैं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में करूँ. ये पॉलिटिक्स थी. ये भी सुना जाता है कि जब आप NSD में थे तो शाहरुख खान साहब जो हैं उस समय बहुत छोटे थे उम्र में आपसे, तो ये कुछ वाकया, इंटरेस्टिंग वाकया जानना चाहेंगे. ये बिल्कुल सही है, शाहरुख खान साहब ने भी बकायदा आपकी तारीफ करी है. हां वो बिल्कुल. क्या था वो किस्सा, क्या था वो किस्सा? यही था कि उनके फादर मेस में हमारे इंचार्ज थे और उनसे शेर व शायरी करते थे, हम भी शेर व शायरी बड़ा लुत्फ लेते थे. गालिब की शेर व शायरी की, गालिब नकर हुजूर में तू बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उस पे कहे भगाए. तो ये सब शायरी चलती थी कि इशरत कतरा है दलिया, दरिया में फना होना, हद से गुजरना दर्द का, हद से गुजरना है दवा होना. तो ये सब हम लोग करते रहते थे. तो उसी बीच में शाहरुख अपना NSD में क्या हो रहा है, कभी संडे वनडे को कभी छुट्टी के दिन आ जाता था, तो वो अपना लैपटॉप पे बैठ करके अपना इत्मीनान से हम लोगों की बात सुनता था. और ये तो बाद में उसने रिवील किया स्वदेश के टाइम में कि बाबा मैं आपके लैब पे बैठ चुका हूँ और आप डायलॉग जो बोलते थे मुझे याद है, जो अश्वत्थामा में आप अंधा युग, डॉक्टर धर्मवीर भाई के अंधा युग में जो आप अश्वत्थामा का डायलॉग बोलते थे वो मुझे याद है. मैंने कहा सुनाओ. तो उसने कहा ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी. जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र, आंखों में पानी भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को. साफ साफ ये धनुष
ऐसे ऐसे करके वो बोलता गया और मुझे सब भूल गया था, मगर उसको याद था और वो बड़ा इंटेलिजेंट लड़का लगा मुझे। और मैंने कहा अपनी तरफ से भी चार लाइन बोल रहा है वो, अपना उसमें फारसी उर्दू आ गई। तो मैंने कहा अच्छा बच्चे बताता हूँ तुम्हें। फिर मैंने कुछ बोला नहीं मगर मुस्कुराया और मैंने उसकी पीठ थपाई। मैंने कहा अरे यार तुमको तो सबको याद है, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। तो ये सब हुआ और उसके बाद कहने का यह कि उसने फिर मेरा नाम भी मैंने किया था अभी अनुपम खेर वाले शो में जब पहली बार आया, तो कहा बाबा राजेश विवेक जो थे साहब वो उनसे मैंने काफी इंस्पायर हुआ, रोनी अतंगली से हुआ और क्या कहते नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी थे वहाँ पे और अल्काजी वह अल्काजी साहब, फिर बाद बैरी जा उनकी मैंने क्लासेस शुरू की। तो ये सब करके कहने का मतलब ये है कि जो भी बड़े आज हैं या जो भी आज जो हैं तीस मार खां हैं या तीरंदाज हैं या निशानेबाज हैं या जो भी हैं, मतलब अपने हर फन में माहिर हैं, वो भी उनकी संगत में भी मैं रहा हूँ। और अपना ये जो बॉलीवुड की जो अपनी एक्टरों की डायरेक्टरों की जो एक से एक कुवत वाले लोगों की जो जमात रही है उसमें भी मैं शरीक रहा हूँ। और बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे आप समझ लीजिए ये हमारे राज कपूर साहब ने शशि कपूर को बताया, शशि कपूर ने बाद में मुझे रिवील किया कि राम तेरी गंगा मैली में एक स्पेशल करेक्टर इसके लिए मैंने लिखा है आदमी को, ये कहीं भी हो चाहे हिमालय पर्वत पे बैठा हो, क्योंकि तब मुझे दाढ़ वाली जैसे बाल दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी जैसे बाबा रामदेव को है, उस तरह से मेरी बाल दाढ़ी थी और इस पर मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंस की हैं। और NSD में डॉक्टर अपना इब्राहिम अलकाजी साहब के निर्देशन में जब वहाँ मेरा सिलेक्शन तो हो ही गया था, उसके अगले साल मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे 71 से लेकर 74 तक मैंने कोर्स किया एक्टिंग का, फिर उसमें मैंने स्पेशल किया। तो उसके बाद मैं रेपेट्री में वहां पे 8 साल तक और रहा और उसमें 2 बार रिजाइन किया, 2 बार ज्वाइन किया, वो भी ऐसा इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने कर दी थी तो उस वक्त मैंने रिजाइन कर दिया था। फिर उसके बाद में ज्वाइन किया जब इंदिरा गांधी फिर आई। तो कहने का मुद्दा ये है, मतलब मेरा ये है कि बड़ा परिश्रम हुआ है मेरे द्वारा, बहुत परिश्रम करवाया मालिक ने, मुझे इतनी ताकत बख्शी मालिक ने खुद। कितने साल का परिश्रम था ये बेसिकली? ये आप समझ लीजिए जो शुरुआत हुई हमारी आपको 62 से, मैंने बताया कि मैं फॉर्म भरता जा रहा हूँ, 65 आया फिर 68 आया, मैं लगातार लगा और उसके बाद फिर जब 71 में मेरा वहाँ पे जब मैं ज्वाइन किया नेशनल ड्रामा और 74 में पास करने के बाद फिर 75 ऑनवर्ड्स में एज ए मेंबर ऑफ द रेपेट्री कंपनी वहाँ पे रहने लगा एज ए एक्टर और फिर सीनियर एक्टर हुआ। तो इसमें आप सभी से अप टू 82 यानी 11 साल मैंने नेशनल फिल्म ड्रामा को सर्व किया एज एन एक्टर और आज आप 37 साल से लोग आपको जानते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो ये मैं एक बात आपको ये बता रहा था बहुत ज़रूरी समझता था कि राज कपूर साहब ने जब कहा शशि कपूर को, तब मैं उत्सव कर रहा था उनके सबसे पहली मेरी फिल्म श्याम बेनेगल ने मेरी परफॉर्मेंस स्टेज पे देखी थी। हाँ ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप फिल्म में कैसे आए? बिल्कुल बिल्कुल, फिल्मों में मतलब कैसे आप अपने पहुंचे, मतलब और जब मतलब कैसे मुझे ब्रेक? बिल्कुल हाँ, मुझे ब्रेक ऐसे मिला, पहला ब्रेक कैसा था, मतलब पहला ब्रेक जो टेलीफोन जो आया, और उसमें टेलीफोन था उस जमाने में? हाँ टेलीफोन था, मगर उन्होंने रूबरू मेरी परफॉर्मेंस देखी और फिर बैक स्टेज पे आके श्याम बेनेगल ने मुझसे कहा, उस वक्त उनके साथ गोविंद नेरानी भी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। मैंने कौन सी, रस्किन बॉन्ड की फिल्म है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है प्रिजन ऑफ फ्लाइट्स, उस पर मैं फिल्म बना रहा हूँ जुनून, जिसको शशि कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं, पहली फिल्म शशि कपूर की एज ए प्रोड्यूसर, और मैं ये बड़ी कमर्शियल फिल्म मेरी है जिसको मैं करूँगा, मगर ये ऑथेंटिक होगी 1857 के गदर के ऊपर है ये, तो हिंदू मुसलमान ईसाई सब कैरेक्टर हैं इसमें, तो आपका इसमें एक ओलवी वो जो है उसका कैरेक्टर है ओलिया, और जिस तरह से आपने स्टेज पे आंख ऊपर की थी एकदम ऊपर कर दी थी आंख, तो वैसी आंख मैं चाहता हूँ थ्रू आउट आपकी इस परफॉर्मेंस में रहे, क्योंकि आपको इल्हाम होता है और आप मालिक के सच्चे बंदे हैं और डायरेक्ट आपका कनेक्शन है मालिक से और आप जो भी वाणी बोलते हैं वो वैसी सच हो जाती है, यानी पहला सूत शेयर समझो, पहला जिसको कहते हैं जो तुम कह रहे थे वो जुनून जो लगान में मैंने किया है उसकी पहले से ही ये प्रारंभ हो चुका था मेरा जुनून से ही। तो उसमें फिर मैं ने कहा ठीक है आप हमारे डायरेक्टर इस वक्त, चूंकि इब्राहिम अलकाजी साहब नहीं थे उस वक्त वहाँ पे बीवी कारंत थे, तो वो जो कि उनसे काफ़ी
एसोसिएटेड थे श्याम नगर से, उनसे आप परमिशन ले लीजिए, वो डायरेक्टर अगर वो हमें परमिशन दे देंगे, क्योंकि घर बैठे जिसको कहते हैं कि आप, हमने बहुत कोशिश की जब फिल्मों में नहीं हुआ तो वहाँ पे थिए पे जहाँ पे बैठ करके मैंने अपना रियाज किया नेशनल प्रोग्राम में, वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हुए वो परफॉर्मेंस ऑडियंस में से बैठे हुए देख करके श्याम नगर को अगर पसंद आती है तो बैठे बैठाए मुझे अपनी जगह पे फिर ब्रेक मिला कहने का। और आज आप विकिपीडिया पर हैं, आप दुनिया जानते हैं। मैंने कल साथ नहीं, लेकिन दुनिया जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने दुनिया की बहुत सारी हरसतों को पूरा किया है उनके साथ जुड़ करके, चाहे वो रिचर्ड एटन बोरो हो, उनके साथ मैंने वो क्लास में आए मेरी रिचर्ड एटन बोरो, और उन्होंने गांधी फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने कहा आप खड़े हो जाओ, आप खड़े जाओ, आप खड़े जाओ, स्टैंड अप, और उन लोगों को सिलेक्ट किया। तो उन्होंने मुझसे करवाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रोल, तो मैंने उनके डायरेक्शन में किया। फिर उसके बाद वो श्याम मेनगल के ये पहली फिल्म थी मेरी, सेकंड फिल्म रिचर्ड एटनबरो की थी, थर्ड फिल्म मेरी थी वो शत्रुघ्न एज ए प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम आए, और उनके साढ़ू भाई थे लोक से लालवानी, बहुत बड़े वो एड फिल्म बनाते थे, और उनकी एड फिल्में जो थी और जो फिल्में बनती थी उनकी वो सब जर्मनी वगैरह के आर्काइव्स में है, ओम नमः शिवाय वगैरह बनाई थी उन्होंने इस वक्त टॉप, तो वो डायरेक्टर हुए उस फिल्म के, उन्होंने मुझे चीफ इंजीनियर का कैरेक्टर उसमें दिया था कालका में शत्रुघ्न सिन्हा के, तो उसमें ये हमारे अंडर में आते थे, मतलब बहुत सारे राज बब्बर ये लोग जो कैरेक्टर करते थे, मजहर खान वगैरह डायरेक्टर कम नहीं हुए थे तो गुजर गए, तो बहुत सारे कैरेक्टर उसमें जो थे वो हमारे अंडर थे, मैं सबका बॉस था उसमें, तो वो भी कैरेक्टर जो मैंने किया उसकी वजह से भी मुझको आप समझ लीजिए ये जुनून या जोशीले या जाबाज ये सब फिल्में जिसमें मैंने कव्वाली गाई जो सुनी थी जुनून में, उसकी वजह से फिरोज खान ने फिर अपने जाबाज में 10 साल के बाद मुझे रिपीट किया कव्वाली, पहली 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 कव्वाली मुझे जुनून में ही, जिसमें कि है माज रंग मैंने पीर पाया निजामुद्दीन ओलिया, ये मेरे ऊपर पिक्चराइज की गई थी, और कव्वाल मुझे सुना रहे हैं और हक हक सब लाल हो जाएगा और कबूतर कबूतर के मानेंगे फिरंगी उड़ जाएंगे, ये सब डायलॉग थे, और उसमें बीच बीच में कपलेट सिंह कबीर साहब की लाली मेरे लाल की जीते देखो थी लाल लाली देखन मैं चली तो मैं भी होगी लाल, तो उस वक्त सदे दुबे जो थिएटर के थे वो डायलॉग लिख रहे थे, तो हमने पूछा डायलॉग मेरा क्या, तो कह रहे अरे यार तुम स्टेज की इतनी बड़ी हस्ती हो तुम कुछ भी बोल दो, हमने कहा ऐसा नहीं होता है पहली फिल्म हमारी हमको डायलॉग चाहिए, तो कहने लगे यार तुम किससे इंस्पायर्ड हो, मैंने कहा इस वक्त तो मुझे कबीर साहब ही नजर आ रहे हैं, तो बस कबीर साहब के तुम डायलॉग बोलते चले जा रहा, फिर उन्हें कुछ लिखा कि मेरा महबूब ऐसा बोल रहा अटपटा, बोला महबूब अटपटा कहाँ से बोलता है यार तुम अटपटा अटपटा कर रहे हो, महबूब तो क्लियर कट बोलता है यार तुम ये सब मत दो, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा होगा, और फिर और जो परफॉर्मेंस मैंने की वहां पे पागल की तरह एकदम जिसको कहते हैं एकदम जिसको हाल तारी हो जाता है जिसको कहते हैं एकदम ट्रांस में, आज भी ट्रांस में वो परफॉर्मेंस करने के बाद मैं एकदम थक गया और एक ही बार में पूरा गाना पिक्चराइज हो गया विद इन 4 आवर्स पूरा गाना, और उसके बाद नसीर आया उसने मुझे गोद में उठा के नाचने लगा, तो मुझे याद आया कि दिल्ली में वो लड़का लेके नाचा था दारा सिंह, और अभी आज नसीर हमें गोद में लेके नाच रहा है, कह रहा है बता तूने क्या नशा किया था, तूने क्या नशा, मैंने कहा कोई नशा नहीं किया था, मालिक का नशा किया था मैंने। राजा जी ये बताइए कि जब आपको पहला ब्रेक मिला बेनेगल साहब के थ्रू, जब आप वो स्टेज के पीछे आए और बोले कि भाई तुम मेरा पहला फिल्म करो, मेरे इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि भाई क्या जैसे आप नए कमर हैं, ठीक है जी, आपको पहला ब्रेक मिल रहा है, तो क्या कोई भी न्यू कमर को कोई नामी गिरामी नाम अगर अप्रोच करता है कोई भी रोल के साथ में, तो क्या बस आंख बंद करके हाँ कर देना चाहिए या स्क्रिप्ट पढ़ के फिर उनको 2-3 दिन के बाद टेलीफोन करके हाँ करना चाहिए? दूसरा ये कि जब आपने हाँ कर ही दिया तो प्रिपरेशन कैसे करी आपने इसके बारे में? हाँ बहुत अच्छा उम्दा सवाल है आपका कि कैसे ये जब अप्रोच करते हैं तो उस वक्त आंख बंद करके हाँ कर, आंख बंद करके हाँ करने के बाद मैंने सबसे पहले पूछा, मैंने कहा क्या कैरेक्टर है भाई, तो उन्होंने कहा रस्किन बॉन्ड की नॉवेल है फ्लाइट ऑफ पिजन्स, उसका ये भावानुवाद हम लोग इसको फिल्म इसका जो है वो करके स्क्रिप्ट प्ले लिख लिया है, स्क्रीन प्ले राइटिंग की है, और उसमें मैं चाहता हूँ आप ये कैरेक्टर कीजिए जिसको ट्रांस में जो आपने एक बार आंख ऊपर करके किया था वो मैं चाहता हूँ थ्रू आउट रहे और ट्रांस में आपका पूरा कैरेक्टर है, आप ओलिया है, आप मालिक से जुड़े हुए हैं और आपको मिलता है ऐसा। तो हमने कहा क्या देखा आपने, कैसे आंख ऊपर करके, मैंने ऐसे करके दिखाया ऊपर आ करके, तो कहें हाँ हाँ यही चाहिए मुझे, बस थ्रू आउट ऐसे चाहिए, फिर नीचे नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बचपन से मैंने इसके बारे में प्रैक्टिस की थी, वो प्रैक्टिस ऐसे की थी मुझे याद आ गया, तो मैंने उनको हाँ इसलिए कहा ये जानने के बाद ये कैरेक्टर, मैंने कहा ये मेरे लिए इजी होगा, दुनिया के लिए बहुत मुश्किल होगा मगर मेरे लिए इजी होगा क्योंकि मैं तो ये कर चुका हूँ, अभ्यास कर चुका हूँ इसका। बिल्कुल मैं सूरज की तरफ देखता था बचपन में,
उगते हुए सूरज की तरफ तो त्राटक करता था मैं, त्राटक करता था, जब तक आंख में पानी नहीं आता तब तक मैं पलक नहीं झपकाता था, और फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर चलता था मैं ऊपर देखता चला जाता था, एक स्टेट अपनी रखता था, मगर सूरज जैसे चढ़ता था वैसे चलता था, तो मेरी आंखें गायब हो जाती थी और मेरे आंखें में पानी रहता, तो 1000 सूरज मुझे दिखाई देते थे अपनी आंख में, एक के बजाय 1000, क्योंकि आंखों में जब आपके लिक्विड आ गया तो आपको फिर भी अगर आप आंख खोलेंगे तो आपको तो उस जिसको कहते हैं मॉर्निंग ड्यूज में जैसे आप सूरज देख लेते हैं, उस तरह से आपके आप आंखों के पानी में भी 1000 सूरज देख सकते हैं। ये सब मैंने प्रैक्टिस की हुई, मैंने प्रैक्टिस की हुई थी। तो फिर उसके बाद अगर मुझे गुस्सा भी आ जाता था, अगर मेरे भाई छोटे ने स्कूल में आके कहा भैया वो लड़का मुझे माँ की गाली बक रहा था, तो मैंने कहा कौन था वो, तो मैंने देखा साला वो तो 6 फीट का है, मैंने कहा इसको कैसे मारूं मैं, तो फिर मेरे दिमाग में आई योजना कि इसके साले को ऐसे मारूंगा, अब गुस्सा तो मुझे आ ही गया, अब गुस्सा आता था तो मुझे हमारी से आंख हमेशा ऊपर चली जाती थी और मुझे पता नहीं चलता था मेरी आंख ऊपर चली गई है, तो लोग बताते थे कि तुम्हारी आंख तुम जब गुस्सा आते हो तो तुम्हारी आंख पूरी ऊपर चली जाती है, ऐसे हो जाती है। तो मैं जाके उसके सामने खड़ा हुआ और मैंने सोच लिया इसको कैसे लंगी मार के धाक धड़ाक से गिराना, पटक 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 के मारना। तो फिर मैं उसके पास सामने जाके खड़ा हुआ, मैं छोटा था वो इतना बड़ा, तो मैंने कहा तुमने मेरे भाई को गाली बकी, उसने कहा हाँ बकी, मैंने कहा तुम फिर बकोगे क्या मारे भाई को, कहा हाँ बकूंगा, तब तक मैंने सुनी अब क्या करना है, तो उसने कहा ए माँ, जैसे उसने मार दिया मैंने अपनी टांग उसके पीछे टांग में लगा पीछे धक्का दे दिया, भड़ाम से गिरा और गाले चित उसके बट जो मुक्का मारा, तो उस वक्त फुटबॉल का मैच हो रहा था और हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, मैच नहीं हो रहा, तो उसमें बैक था, अरे मैंने फिर जो झूरा उसको ना तो उसको मौका नहीं दिया, और फिर तो पूरी टीम आगे मुझे उठा के हीरो बना दी, एक पल में नहीं वहां भी उठा लिया गोद में, सब लोगों ने कहा अरे हिप हिप हुर्रा, वही लड़का आज वो बोलता होगा भाई मुझे एक टिकट फ्री में दे दो मेरी भी शादी हो गई है, क्योंकि आज अब स्टार हो गए। अरे मालिक की इतनी बड़ी दया हुई कि वो अब वो सब मैंने किया था, अब वो कह रहे आंख ऊपर करके करनी, तो मुझे हंसी आ गई, हमने कहा कर दूंगा, तो कहा कितने दिन का काम है, कहा बस मुश्किल से मेरा ख्याल एक दो दिन लगेंगे, मगर आप चाहे तो एक दिन में हो सकता है, मैंने कहा आप 2-3 दिन जो भी कहिए आप परमिशन ले लीजिए, मैं करूंगा आपका काम, आपका मेरे बड़ा नाम सुना है, आप मेरे पास आए तो मैं आपको ना नहीं करूंगा। और ये मैंने सब पूछ पाछ करके फिर उनको जब हाँ की, तो उसके बाद गुरुदत्त के छोटे भाई देवीदत्त आए हमारे 1 महीने बाद, और फिर उन्होंने मुझे साइन किया था, मुझे 4000 रुपए उसके मिले थे, जो कि मेरी मतलब जो मैं कमाता था महीने में 1600 महीना उस वक्त मेरा था, मतलब 250 रुपए स्कॉलरशिप थी। पहले जो कमाई आई थी उसका आपने क्या किया? आजकल लड़के यहाँ पे क्या करते हैं, पहली कमाई में जो यंगस्टर्स हैं वो लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड के साथ में पब में चले जाते हैं, तो आपका क्या मानना है इस मामले में? मैंने वो कमाई डिपॉजिट की बैंक में और उसमें से मैं पैसे माता पिताजी को भेजता रहा। ये सुन रहे हैं आप राजेश विवेक जी को दोस्तों, ये इसलिए हम कहते हैं कि ये दुनिया के चहेते इसीलिए बने हैं कि सिर्फ काम के लिए चर्चित नहीं बल्कि अपने इंसानियत के प्रति भी चर्चित हैं, क्योंकि ये जिंदगी में ये विश्वास करते हैं कि माँ बाप जो हैं इनके लिए भगवान के रूप में, माँ बाप एक इंसान नहीं भगवान के रूप में। राजेश जी ये जो कही ना भगवान के रूप में, सच्ची में माँ पिता जो है वो भगवान है हमारे, तो माँ बाप से आपने जब भगवान कभी अलग नहीं होते, भगवान आपके अंदर रहते हैं, आपके हृदय में रहते हैं, आपके मस्तिष्क में रहते हैं, आपकी आत्मा में रहते हैं भगवान, और वो मेरे माँ बाप हमेशा मेरी आत्मा में रहते हैं। नहीं ये तो बहुत बड़ी बात कही, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जब आपको डिसअपॉइंटमेंट कभी होता था, जब स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में या जैसे अभी आप बॉम्बे में कभी भी जैसे आप स्ट्रगलिंग कर रहे थे, तो उस जमाने में मैं उस समय इन्हीं लोगों को याद करता था, मैं जहां भी मुझे फ्रस्ट्रेशन फील करता, जहां भी मुझे लगता था कि बड़ा दुख है दुनिया में, बड़ा कष्ट है, ये वो कोई चोट लग गई शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, या किसी ने अपशब्द बोल दिया या कुछ भी हो गया, मैं नहीं चाहता बार बार मारू पीटू सब, ये सब मुझे गुंडा कहने लगेंगे, तो ये सब सोच समझ के बहुत बैलेंस रहते हुए भी मैं उन परिस्थितियों में या उन स्थितियों में हमेशा अपने माँ बाप की बातें याद करता था कि देखो ऐसा करना तुम बेटा, देखो ऐसा तुम करना, तुम ऐसा झूठ मत बोलना, तुम सत्य पे रहना, और तुम जो है किसी से मत डरना, मालिक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग प्रत्यंग तुम्हारे मालिक अंदर, तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, तो ये सब बातें करके मैं हो जाता था। फिर मैं सोचता था बहुत देर तक सोचता था कि यार हमारे यहाँ जो महान महान चरित्र हुए वो उन ऐसी स्थितियों में वो अपने को कैसे संयोजित करते होंगे जैसी मेरी मनस्थिति है, तो उसमें मुझे भगवान बुद्ध भी याद आते थे। नहीं लेकिन वो कौन सी दो चीजें थी जो मैजिक मंत्र आपके माँ बाप ने आपको दिया जो आज आप विकिपीडिया बने? उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जितना सेवा हम माँ बाप की करना चाहते थे, यार मैं सच बताऊं
मैं उतना नहीं कर पाया जितना उन्होंने हमारा ख्याल किया और आज भी मेरा ख्याल कर रहे हैं। उस हिसाब से मैं तो बिल्कुल जिसको कहते हैं अपने को अपराधी महसूस करता हूँ, गुनहगार महसूस करता हूँ इस मामले में कि मैं अपने माँ बाप की जो सेवा करनी चाहिए थी सही में, अब जब टाइम आया जब मेरा जो चार पैसे हो जाते हैं, आप उन्होंने तो बाबा ने भी मकान बनाया, उन्होंने भी मकान बनाया, माँ बाप ने भी मकान बनाया, आज इनकम टैक्स ऑफिस और इनकम टैक्स ऑफिसर सब उसमें रहते हैं वहाँ जौनपुर में, वो सब टेनेंट है हमारे, मगर हमने अपने लिए कोई मकान ऐसा बनाया ऐसा वैसा कुछ नहीं, या उनमें उसमें सुविधा दे पाते या उनको और भी कोई सुविधा देते, उसके पहले वो चले गए। तो ये एक हमें होता है दुख, मगर मैं कहता हूँ आप क्या कर सकते हैं, जितनी आपकी नियति है, जितना आपका भाग्य है, जितना भी आपको पुरुषार्थ है, आप करते हैं सब कुछ करते हैं, मगर आपकी जितनी सेवा वो लेना चाहते थे उतनी सेवा उन्होंने आपसे ली, और बाकी की सेवा जो है वो आप जो है उन जो ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में पढ़ना चाहते हैं या जो कि मान लो कुछ करना चाहते हैं, उनके पास अगर धन का अभाव नहीं है या आप जानते हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो भाव चलते मैं मदद करता हूँ, मगर ये मैं बताता नहीं किसी को क्या मदद की है क्या नहीं की, क्योंकि वो आँख के सामने दिखाई देता है, और वो संस्थाओं को भेंट देना और चंदा देना ही वो तो बात अलग है, वो मैं नहीं करता। लेकिन वो मैजिक मंत्र कौन सा था जो आपको आज एनर्जाइज करता है आपके डैडी या मम्मी का, मैजिक मंत्र कौन सा था? अरे अब देखो डैडी से जो मैंने सीखा वो था जैसे गायत्री मंत्र है, और मेरी पत्नी का नाम भी गायत्री, गायत्री की जो मैंने साधना की तो गायत्री मुझे मिल गई, तो मेरा कहने का मतलब वो है ओम भूर्व स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और उसके बाद पिताजी ने मुझे एक और मंत्र सिखाया था, वो था महामृत्युंजय, वो था ओम ह्रों ओम जूं सः भूर्व स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव धनानमृतयोर्मुक्षीयामृतात् भूर्व स्वः ह्रों जूं सः ह्रों ओम, यानी जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म हो जाता है, तो ये सब एक सांस में। और माँ का जो मंत्र था वो संतों का मंत्र था, वो था राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। तो ये सब मंत्र मेरे अंदर गूंजते रहते थे, वाइब्रेट करते रहते थे, चाहे कड़ी से कड़ी मृत्यु सामने खड़ी है तो भी मैं हंस करके राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, तो मृत्यु भी भाग जाती थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड थॉट। दोस्तों राजेश विवेक आपके सामने है, और आज भले ही वो माँ बाप के लिए कुछ ना कर सके, लेकिन हाँ माँ बाप के लिए तो बहुत अच्छे सपूत बने हैं, और दुनिया में बहुत ही अच्छे एक इंसान का एक चिन्ह है, एक जिससे दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने। राजेश जी जानना चाहेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में आमिर साहब के साथ काम कर चुके हैं, शाहरुख साहब के साथ काम कर चुके हैं, सलमान खान के साथ भी काम कर चुके हैं, बहुत से अजय के साथ, अजय जितने भी बहुत टैलेंटेड, अजय देवगन साहब हो गए बहुत टैलेंटेड, साथ धर्मेंद्र के साथ राज कपूर के डायरेक्शन में कर चुके हैं। नहीं बिल्कुल सही बोला, लेकिन मेरा ये सवाल ये था कि इतने दिग्गजों लोगों के साथ में काम करने के बाद, कहते हैं ना कि आज इंडस्ट्री जो है वो अब पहले की तरह नहीं रहेगी जैसे वो जमाने में मुगले आजम होती थी, कि लोग एक फिल्म को अप्रिशिएट करते थे कि चलो ठीक है, वो कॉम्पिटिशन जैसा नहीं होता था। हाँ मदर इंडिया के लीजिए, तो सवाल ये कि आज एक कंपटीशन आ जाता है कि भाई 100 करोड़ फिल्म लगाएगी या 200 करोड़ फिल्म बनाएगी, तो वो स्टार जो सुपर स्टार जो होता है वो सिक्योर हो जाता है, उसके साथ में तो आंख बंद करके फिल्म साइन कर लेना चाहिए, या उसके पीछे बिल्कुल जितना जद्दोजहद वहां, अब हमारी स्ट्रगलिंग वहां हो जाती है, जहां पहले स्ट्रगलिंग होती थी ब्रेक पाने के लिए, फिर स्ट्रगलिंग होती थी कि वहीं पर जाके चापलूसी करो जो भी। तो मेरा दो सवाल है, पहली बात तो ये कि आपने चापलूसी अभी भी आप करते हैं या फिर दूसरी, या फिर आप सिर्फ अपने टैलेंट पे ही काम लेना पसंद करते हैं, और दूसरा सवाल ये आपका का इस पे क्या तर्क है, ये 200 करोड़ ये 100 करोड़ नंबर्स पे क्या तर्क है आपका? बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आप पूछ रहे हैं। अव्वल सबसे पहले तो मैंने चापलूसी तो अपने माँ बाप की नहीं की, भाई चापलूसी क्या होती मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे तो ये मालूम था यार ये करने के लिए ये प्रयत्न करना है, ये चीज पाने के लिए इसको हस्तगत करने के लिए ये प्रयत्न करना है, चाहे वो पिताजी के बटुए में से 100 रुपया ही निकालना हो, तो कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी ना जी जी। तो मैं खुद अपनी राह बनाता रहा और कैसे कैसे करके कोशिश करता, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, मैंने कहा ऐसी कि तैसी वो खुद आएंगे हमारे पास, मैं नहीं जाऊंगा, ये भी एक अकीदा लेके विश्वास लेके मैं चला, और हुआ भी वही, वो आए उन्होंने दिया, उसके बाद बराबर ताता लग गया आने का, अब तो फोन आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने चापलूसी किसी की नहीं की, चापलूसी तो मैंने भगवान की भी नहीं की है, मुझे याद आता है।
अपने में दम है और ये दम किसका दिया हुआ है यार, ये दम मालिक का दिया हुआ है, हमको मालिक का हर पल शुक्रगुजार। देखो शुक्रगुजार होना, आभारी होना, धन्यवाद देना हर पल हर सांस के साथ। ये क्या है कि अगर मैंने लिया है तो दूंगा, इसका क्या मतलब है? आपने हमें दिया तो हम आप दे, दे, दे रहे हैं, आप ही ले रहे हो, आप ही दे रहे हैं। नहीं, मजे की बात ये कि वही ले रहे हैं वही दे रहे हैं, बिल्कुल। हम कुछ भी नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो माध्यम मात्र हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, मगर एक जरिया बना दिया हमको, एक निमित्त मात्र जिसको कहते हैं कि तुम्हारे थ्रू ऐसे हो जाएगा, तुम इनकी बात मान लोगे तो इनका काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। अब ये है मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र कि अगर भाई लिया है तो दो भी ना, बिल्कुल, तो वही तो दे रहे हैं। लेकिन सवाल फिर मेरा यही होता है, लेकिन ये उचित सवाल होता है राजेश जी कि अगर मान लीजिए सेफ फ्लोटिंग करनी है बॉलीवुड में तो क्या ये जायज नहीं है? मेरा सवाल कि सेफ फ्लोटिंग के लिए आप सलमान खान के साथ में एक अच्छी दोस्ती रखें और मतलब कुछ भी कैरेक्टर हो, बस आग मंगर के कैरेक्टर ना सुन के आप साइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सलमान खान की फिल्म जो है सुपर हिट होनी ही होनी है। हाँ ऐसा भी होता है, तो फिर आप करें, आपकी क्या राय, आप मेरा मैं कहने का, जैसे मैं एक्वेंटेड हो गया, जैसे मैं अभ्यस्त हो गया आशुतोष गवारकर ने, अगर मान लो चाहे ऋतिक रोशन है, चाहे वो क्या कहते हैं आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान, इनके साथ अगर फिल्में की और मुझसे कहा एज ए डायरेक्टर कि आप में आपका रोल है, मैं आपको बताऊंगा करना है तो आपको पड़ेगा ही, तो ये जो एक होता है कि टिकट ग्रांटेड, तो टिकट ग्रांटेड है, मैंने उसके साथ किया है, मजा आया लगान में, तो स्वदेश भी किया, जो अकबर भी किया, और योर राशी भी किया, फिर खेले जी जान से भी किया, अब शुरू की तीन फिल्में हिट हो गई, वो बात की नहीं हुई, तो आज वो मोहन जो दारू बना रहा है, अब उसमें अभी तक उसका मुझे फोन नहीं आया, मैं उसको विश करता हूँ, ऐसी बात है, चापलूसी। देखियो अगर गणपति का महोत्सव है, अगर जन्माष्टमी का महोत्सव है, अगर आपका नवरात्रि है, आपका कोई भी पर्व है, और उसमें अगर मैं विश करता हूँ माय हार्टी विशेस ब्लेसिंग्स एंड विशेस एंड ग्रीटिंग्स टू यू माय डियर आशुतोष या सलमान या शाहरुख या क्या कहते हैं अजय देवगन या जो भी है अपना क्या कहते हैं अक्षय कुमार, जो भी लोग हैं जिनके साथ हमने काम किया, सबको अगर मैं विश करता हूँ तो ये अगर चापलूसी है तो इसको चापलूसी में गिन लो। इसीलिए आपने लगान में आमिर खान को क्रिकेट मैच जितवाया भी है, इसका मतलब। अरे अरे यार, लगान की बात की मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, कुछ फनी इंसिडेंट बताइए आप। मैं हाँ देखो एक बात तुम्हें बताऊं, जब हमको ये सबका तो इन्होंने लिया ऑडिशन, मेरा ऑडिशन वगैरह नहीं लिया, मुझे सीधे बुलाया आशुतोष ने, कहा ये करेक्टर आपका, ये मैं सोच रहा दिलीप कुमार साहब से करवाएंगे, मगर उनकी व्यवस्था भी है नहीं, आप करो, हमें कहा चलो करते हैं, तो फिर दाढ़ी बाल लगेगा, मैंने दाढ़ी बाल नहीं लगाएंगे यार क्लीन शेव में, नहीं दाढ़ी बाल आपके पास बड़ा जमता है, दाढ़ी बाल में तांत्रिक मांत्रिक हो गया, पीर दरवेश वो उसमें भी आपने क्या कहते हैं बहुत अच्छा किया था, क्या कहते हैं जुनून में, फिर जोशीले में आप डाकू बने थे, वो शेखर कपूर ने डायरेक्ट की थी जो वो वाली फिल्म बहुत अच्छी थी, जोगी ठाकुर का रोल किया था वो भी, मैंने कहा यार ठीक है ट्रेंड चल रहा है, मगर कोई कैरेक्टर कोई जरूरी नहीं है दाढ़ी बाल में, मगर पीछे पड़ गए वो फ्रेंड्स, वो कनाडा से आ रही है, वो लाएंगे वो वैसा होगा वो, मैंने कहा चलो आपने किया हुआ है लगा लीजिए क्या है, तो लगा के देखा होगा गया वहीं पे भाई पास हो गए, चलो तो ऑडिशन के नाम पे तो क्या मतलब कि एक तरह से रिहर्सल हुई, तो अब मैं जब बाकी तो सीन अपना हमको प्रिंटेड आ जाते थे, पहले ही आ जाते थे, शेड्यूल पूरा आ जाता था, बहुत सिस्टमेटिक वे था, जो हमने तो कह दिया था कि स्टीवन स्पीलबर्ग आकर के यहाँ सीखे कि क्या कहते हैं क्या सिस्टमेटिक और क्या अरेंजमेंट है, अबे ऐसा टॉप ऑफ द वर्ल्ड हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो भुज में ही कर रहे थे, बहुत तापमान था सब कुछ था, सवेरे अपना 4 बजे निकल जाते थे तैयार होकर के, और फिर उसके बाद सेट पे पहुंच करके, अब उसके पहले जितना भी है तो लगा रहता था, और इंटर खाना लगा रहता था, ये लगा रहता था, गुजराती खाना लगा रहता था, इंडियन डिशेज रहती थी, हम तो वेजिटेरियन है तो हम भी वेजिटेरियन अपना देख लेते थे भाई, फल फूल ये है दरिया उलिया खा लिया, लस्सी उप्सी अपना तैयार हो गए, और फिर जाके मेकअप वेकअप किया सब हो गया, फिर सीन उन कर दिया जो भी है लड़की के साथ हीरोइन के साथ है इसके साथ है गाना है वाना है सब हो गया। जब क्रिकेट की बारी आई फील्ड में तो मैंने कहा कोई नशा वशा नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत नशा कर रहा था मैं उसके पहले, तो मैंने कहा कोई नशा वशा नहीं करूंगा मैं, क्यों कि मैच जीतना है और दिखाना है कि कैसे जीत कैसे कैसे जीतते हैं, फिर बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में हम उतरे मैदान में, कमर कस के, और उसको भी कहते एकदम शुद्ध
प्योर हार्ट के साथ। अब फिर वहां पे साहब हमने जब बैटिंग का आया चांस, फील्डिंग कर लिया, ये हो गया, उसमें एक्सटेम्पोर इम्प्रॉम्प्टु जिसको कहते हैं, मैं उसमें डायलॉग बोल देता था और कान में बोल देता मैं ये डायलॉग बोलूं चलेगा, ये कपलेट बोलूं, उनकी मौलाना जौक की है वो बोलूं, ही के बोलूं, ये कबीर साहब की ये है, निर्बल को नसराई जाके मोटी है बड़ी खाल के साथ से लोग समझ आए, तो मुझे परमिट कर देता था आशुतोष। तो एक रेपो बन गया था हमारा कि कहीं भी हमारे अंदर मेंटल, देखो मेंटल प्रिपरेशन क्या होती है वो मैं अभी अभी आगे बताऊंगा, मैं करता हूँ उसके बाद स्क्रिप्ट आया वही मेरा अगला सवाल है, अपना वाश कहता हूँ फिर वही करता हूँ जो वो चाहते हैं, मगर उसके पहले मेरी क्या उधेड़ गुण रहती है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये बात थी कि साहब स्टांस लिया, बैट का स्टांस कैसे लेना है, बैट का स्टांस कैसे लेना है। मैंने आते ही तो एक चक्कर लगाया अपना तीनों स्टंप का, बहुत ही ओरिएंटल वे में लगा के चक्कर, जैसे उसको शील्ड पहना दी कि तेरा सब बाल बाका नहीं होगा, मैं आ गया हूँ, तेरे को बॉल नहीं लगने वाली। और फिर बैट लेके मैं पीठ के पीछे ऐसे खड़ा हो गया, फिरंगी इतने में कट कट कट, खुद ही अमीर बोल करके चले आ रहे हैं दौड़ते हुए, बाबा ये स्टाइल मेरी है। मैंने कहा क्या, कहीं जो बैठ आप पीछे रखे हुए हैं ना अपने पीठ के पीछे, वहां से आप घुमा के देंगे, तो ये मैंने सोच रखा है ये मेरी स्टाइल है, आपकी कोई दूसरी स्टाइल आप बनाओ। मैंने कहा मैं मेरी यही स्टाइल है, मैंने यही सोचा था, मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली थी, अब तुम कह रहे हो मेरी स्टाइल है तो मुझे मेरी स्टाइल बताओ क्या है मेरी स्टाइल। तो अमीर ने फौरन कहा दीजिए बैट, मैंने दिया बैट, दोनों टांग के बीच में डंडा पकड़ के खा हो गया, वो बैट पकड़ के खा हो गया, दोनों टांग फैला करके बीच स्टंप पे, कही आपकी स्टाइल। मैंने सोचा ये स्टाइल तो बड़ी बेकार की स्टाइल है, एकदम फूवड़ स्टाइल है, मगर इसमें चार चाल लगा दूंगा, चाल डन डन डन, तेरी स्टाइल ये पीछे बैट तेरी तेरी स्टाइल, और जो तू हमको बता रहा है ये मेरी स्टाइल ना, ये कह रहा है ना, हमने कहा डन चल डन। मैं खड़ा हुआ दोनों टांगे बीच में लेके बैठ साला, मैंने कहा आप साले को हिलाओ, फिर बैट को हिलाओ, तेरी फिरंगी की भैया, वो इतना जोर का ठाका लगा चारों तरफ कट कट कट, इसीलिए 100 लोगों ने जनता ने सीटियां मारी है भाई। और मैं इतना बोलना चाहूंगा राजेश जी की, जब इंडियन टीम कभी अगर हारेगी तो आपको टेलीफोन जरूर करके बोलेगी कि मेरा, मैं तुम्हें बताऊं, गुरन को बुलाओ भाई, मैं बताऊं बताऊं तुम्हें, बिल्कुल रियल बात ऐसी हुई, इट हैपेंड। क्या किस्सा था ये? हाँ ये किस्सा ये था कि सांस लिया, फिर उसके बाद वो मेरी स्टाइल हो गई। अब उसमें ये था, स्क्रिप्ट में एक बड़ा बढ़िया लिखा था आशुतोष ने कि वो जैसे गुल्ली डंडा में एक ऐसे टप्पा लेकर के उत्तम मारते हैं, तो उसी तरह से मैं बॉल जब आई पहली तो मैंने ऐसे लिया स्क्रिप्ट के हिसाब से, पढ़ा था मैंने बिल्कुल, उसके बिना कहे कि ऐसा करना है, कोई गलती बिना किए वही किया मैंने जो उसमें लिखा था, ऐसे बॉल आई ऐसे हल्का सा उसको उठा के हवा में ले लिया, अब तब देर दरार तुझे मारा तो फिर उधर वाला कैप्टन आके बोलेगा अरे ये स्टाइल नहीं है, ये दो टप्पे मार के फिर बनाओ अपने लिए फिर मारो। अब उसके गुल्ली डंडा तो उसने खेला नहीं है तो, मगर गुल्ली हमने खेला तो गुल्ली डंडा खेलने के लिए हमने वो खेल खेला जो कि आशुतोष ने लिखा था, तो बड़ा उसमें विवाद वाद हुआ। फिर ये हुआ हमसे, अमीर ने कहा उसी सीन में ही कहा कि आप अब सीधे खेलो, आप बनाओ नहीं अपने लिए, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि मैंने पढ़ा था बहुत पहले स्पोर्ट्स इन पास टाइम में आती थी जब मैं क्रिकेट का कैप्टन हुआ करता था अपने कॉलेज में, तो मैंने पढ़ा था लॉरेन कॉन्स्टेंटाइन, दाढ़ी वाला बैट्समैन वेस्ट इंडीज, बहुत पहले 19वीं शताब्दी में जब क्रिकेट शुरू हुआ था, तो उस वो पहला आदमी था जिसने विकेट कीपर के सर के ऊपर से सिक्सर मारा था। मैं भी दाढ़ी वाला, मैं उसका दिमाग, उसकी खोपड़ी मेरी उस खोपड़ी से मिल गई जो वाकई में रियल में जिसने मारा था। मैंने आशुतोष को कहा मैं एक बार मुझे ऐसी हलवा सी दो कि मैं घूम के पीछे मारूंगा विकेट कीपर के सर के ऊपर से छक्का जाएगा, ये मैंने सोच रहा ये लॉरेन कॉन्स्टेंटाइन ने किया था और मैं मुझको करने का मौका दो तो उनकी आत्मा बड़ी खुश होगी। डन चलो शॉट, उधर से अपूर्व लाखिया अपना धीरे से बॉल किया, उसने ऐसे फेंका मारे घुमा के दिया चला गया ऊपर, ऐसा शॉट आज तक किसी ने मारा नहीं था सिवाय लॉरेन कॉन्स्टेंटाइन के इंडिया में। ये तो फिल्म में हो गया, इसको देखा सचिन तेलुगु, मैं साउथ अफ्रीका जब इसकी फिल्म की जब
वो हुई ग्रैंड गाला ओपनिंग, तो वहां पे मैं नहीं जा पाया, तो मेरा पासपोर्ट तैयार नहीं था, तो वहां पे सब लोग गए, तो सचिन ने मेरे बारे में पूछा वहां कि भैया बाबा कहाँ है, और सब लोग चाहते थे बाबा बाबा बाबा, वहां पे हो रहा था बाबा है बाबा है बाबा, बड़ा क्रेज हो गया था बाबा का, जबकि बाबा वहां था ही नहीं, बस अपना स्क्रीन पे थे। तो सचिन ने कहा यार ये जो शॉट मारा है विकेट के ऊपर से, ये तो कमाल कर दिया यार। और फिर सचिन ने वो शॉट मारा कोलंबो में, जब मैं बूस्ट करने के लिए गया था इंडियन टीम को, फर्स्ट एक्टर जो चुना गया था इंडस्ट्री सेट मैक्स सोनी वालों ने चुना था, उसी गेटअप में, लगान के गेटअप में, और मिनी वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसमें अब दोनों को ज्वाइंट कप मिला था, दोनों जीत विजेता हुए थे, कोलंबो और मतलब लंका और भारत, तो उसमें सचिन और सौरव वो थे अपना कैप्टन थे, और सब मतलब सब लोग थे वन टू ऑल, क्या कपिल देव उनकी गैंग, उनके साथ अपना फोटो खिंचवाना ये सेशन, उसके बाद उधर राहुल द्रविड़, फिर उसके बाद ये अपना ये सब लोग थे कोच की हैसियत से या वहाँ पे कमेंट्री की हैसियत से, कमेंटेटर की हैसियत से थे, और बाकी पूरी टीम थी अपनी जिसमें कि अपना युवराज वगैरह सब लोग थे, तो सबका हमने मैंने सोचा है इसका वो लेते हैं इंटरव्यू, क्योंकि हमारे सेट में वाले चाहते थे कि सचिन का मैं इंटरव्यू, क्योंकि उसके पहले सूर्या और मुरलीधरन का ले चुका था मैं, उसी गेटअप में इंटरव्यू ले चुका था, तो वो परमिट नहीं कर रहे थे आदिदास वाले, उन लोगों ने एक वेन्यू पे ये कहा था कि आप अगर यहां से कुछ भी खरीदते हैं आदिदास से तो आपको क्या कहते हैं हम सचिन के साथ चाय गोल्डन पाउंड में आप चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे चाय सचिन के साथ। हमने कहा यार ये मौका है, गया मैं आदिदास के वही नीचे होटल के नीचे था, जाके वहां पे मैंने कहा मैं शू लूंगा अपने लिए, मगर आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, तब तक वहां पे कुछ लोग जुनून वहां वो लगान लगी थी फिल्म तो देखा था उन्होंने, तो वो सब हमसे ऑटोग्राफ लेने लगे, तो मैं वहां सेलिब्रिटी महसूस किया जाने लगा शॉप में, तो मैंने उनसे एक शर्त रखी, मैंने कहा मुझे कल सुबेरे फोन करके ये बताओ कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और मैं गोल्डन पॉइंट में सचिन के साथ चाय पीऊंगा, तभी मैं लूंगा यहाँ से, जूता नहीं तो नहीं लूंगा। तो उनका हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और फिर मैंने जूता लिया, और दूसरे दिन एक लड़की ने सुबेरे में कमरे में फोन किया 7 बजे कि आपका सिलेक्शन हो गया है सचिन के साथ। अब मैं पूरी बटालियन अपनी ज्योति सेट वर्क्स की उसको लेके पहुंचा सचिन के पास इसी गेटअप में, सचिन अपना आदिदास के बने हुए थे, मैं इधर बना हुआ था, उधर पे भी मैंने कहा सचिन सब लोग अंग्रेजी में बात करे तो गले वले मिले, हमने कहा सचिन अरे यार सचिन हम साउथ अफ्रीका में आए तुम मुझे याद कर रहे थे मुझे पता, कहना हाँ आपने तो वहां में मारा शॉट जो वो मारा था ना बहुत अच्छा मारा था, मैंने कहा वो मैंने नहीं मारा था वो लॉरेन कॉन्स्टेंटाइन ने मारा था, बताया तो कहने का अच्छा। बस फिर उसके बाद भैया हमने वहाँ पे उसने शर्ट पैंट ये सब मुझे दी, सब अपना गिफ्ट में दिया साइन करके, बहुत बड़ा यहाँ पे देखो फोटो लगा हुआ है सचिन का। तो फिर उसके बाद सचिन को मैंने पूछा भाई मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, और मैंने आदिदास वालों से कह दिया प्लीज आप लोग टॉक इन इंग्लिश एंड यू आस्क इन इंग्लिश बट आई विल आस्क इन हिंदी अ क्वेश्चन टू सचिन एंड सचिन विल गिव मी आंसर इन हिंदी, if you will give me this permission I will be very grateful to you please, now say okay and they told okay, to fir sab logon ne pucha acha question shuru mein maine pucha ki acha yahan ke jo navyuvak log hain sachin aap please bataiye ki unke liye aapka kya message hai jo young cricketers hain, to unhone bataya ki bhai bahut discipline ye wo sab bataya unhone bahut badhiya bataya, aur uske baad fir humko jab unhone inaam naam diya to maine hak kiya wahan pe sachin ko, सचिन वो हमारे फेवरेट थे, सौरव गांगुली फेवरेट थे, सब थे साथ में वहाँ पे, तो मैच में तो उछल कूद करते ही रहता था इधर उधर, मगर ये अब इस बहाने भैया मेरा वो काम सॉल्व हो गया जो कि इनको परमिशन सेट में वालों को नहीं मिल रही थी उस वक्त, और जो कि ऐसे आइंदा ऐसे वो आदिदास का वो ले करके वो जो मेरा नाम मेंशन हुआ था जो गिफ्ट वाउचर था, तो मैंने कहा चलो यार ये काम हो गया। तो सचिन ने मुझसे कहा कि वो शॉट जो है लॉरेंस कॉन्स्टेंटाइन ने लगाया था स्पोर्टिंग पास्ट टाइम में आपने कहा था ठीक है
उसके बाद सचिन ने वो शॉट वहां पे जब लगाई तब मैंने कहा तुमने तो असली काम तो तुमने किया यार, मैंने तो फिल्म में किया था। बिल्कुल, लेकिन आपको इतना बोलना चाहूंगा कि अगर इंडियन टीम कभी अगर कभी संकट में होती है तो आप अपना नंबर उनको जरूर छोड़ दीजिए। नंबर की बात क्या है, वो लोग जहां भी जरा सा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो लगान अपने उस पे लगा के देखते हैं, लगान देखते हैं, मेरा भी काम देखते हैं सिवान है। वाओ वाओ, दैट्स वेरी वंडरफुल। इनफैक्ट आपको पता था कि लगान जब आप कर रहे थे तो क्या आपको ये पता था कि ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर से भी बड़ी बिग ब्लॉकबस्टर होगी? आपको एहसास हो गया था? हाँ, ये पता नहीं क्या इंट्यूशन है हमारे में। कोई भी काम में जब करता हूँ किसी के साथ में तो मैं देखता हूँ अगर बड़ी सच्चाई से काम होता है, ईमानदारी से काम होता है, सब लोग मेहनत करते हैं और हर डिपार्टमेंट सजग और चैतन्य रहता है और तत्पर रहता है तो मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत बड़ा जो काम हो रहा है अभी ये काम हो रहा है और ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाएगा। और ऐसे ऐसे उस वक्त तो मुझे यही लगता था कि स्टीवन स्पीलबर्ग आकर के सीखे, मतलब डिसिप्लिन इतना कंट्रोल करके, आशुतोष गवारकर और इनका इतना अच्छा रेपो था ये अपना आमिर खान का कि इसमें साहब हमने हमारे लिए तो जैसे फ्रीडम थी, हमको तो ये था अब जैसे कि फील्डिंग करते वक्त भी मैं अपना मोड़ा वो एक शेर था, शेर हो सहो नर मारा तो क्या मारा, बड़े शैतान को मारा जो इन फिरंगियों को मारा, तो ये लहकाना ये जो है अपना बूस्ट करना टीम को। और फिर जैसे एंट्री होती थी हमारी पूरा क्राउड जो होता था वहाँ पे भुज पे जो सब लोग आए हुए थे जो वहाँ पे दाना भाई ने सब सप्लाई किया था वो सब एक साथ करते थे तो ऑटोमेटिक ये हमको एक जिसको कहते हैं वो समर्थन मिलता था सबका। तो ये एक फिनोमिना सा हो गया था कि वहां पे रहते हुए जब भी मैं आता था फील्ड पे ऐसा शुरू हो जाता था, जबकि मेरा ख्याल है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने भी ये बात नहीं कही होगी, किसी एक्टर ने भी ये नहीं कहा। तो जब बाबा एंट्री ने, हाँ बाबा कहते थे मुझे, बाबा एंट्री, बाबा गुरन कर रहा था तो बाबा तो एनएसडी से लेके अब तक नहीं, बाबा जब नहीं, लेकिन बाबा जब एंट्री लिए थे ये मुझे अच्छी से याद है कि जब मैं उस समय बहुत छोटा होता करता था तब पब्लिक ने हल्ला करना शुरू कर दिया था सिनेमा हॉल में, बहुत ज्यादा तालियां होना शुरू की थी बाबा आए हुए। इसलिए ये मेंटल प्रिपरेशन आपने कहां से करा? नहीं, ये मेंटल प्रिपरेशन वही मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको मैं बताया कि हम जब अपने टेंट में से अपने इसको कहते हैं पेविलियन से इंडियन पेविलियन से जब हमको कहा गया कि आपको आना है, इशारा हो गया कि अब शॉट हम लेंगे आपकी एंट्री होगी मतलब फील्ड में बैट के साथ, आ रहा हूँ बैटिंग और फील्डिंग कर रहा हूँ जो अब उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि वो कबीर साहब ने कहा था निर्धन निर्बल को न सजाई जाकी मोटी हाय मरी खाल की सांस लोग। अब वहां से जैसे हम टेंट में से निकल रहे हैं तो हम मेंटली प्रिपरेशन ये किए हुए हैं कि मुझे ये कपलेट बोलनी है। अब मैं ये कपलेट वहां से स्टार्ट करता हूं अपने पेविलियन से, जैसे मुझे मौका साइन मिलता है कि कैमरा ऑन हुआ है एक्शन, तो एक्शन पे जब मैं निकला तो निर्बल को नस्ता ये जाकी मोटी आया मरी खाल की सांसें लो भसम हाय करके हुए जो मैं आया तो ये इतना प्रवोक कर गया पूरी पब्लिक में कि अपने आप ही तो अब ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये कोई नहीं जानता था, मैं भी खुद नहीं जानता था कि इतना बड़ा हमको वेलकम ये पूरी पब्लिक जो देख रही है ये देगी। तो जैसे स्क्रिप्ट मिलती थी आप लोगों को वो हीरो तो उसी मोमेंट में बन गया मैं। हाँ, जो कि मतलब सारी अपना जितना टूट गया अमेरिका का कनाडा का उसमें भी यही होता था जब आमिर खान हमें बुलाता था स्टेज पे कि गुरन बाबा राजेश विवेक आए जय सिंह, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन के हो वो सब ऐसे ही होता था। बिल्कुल, नहीं तो ये स्क्रिप्ट जब आपको मिलती थी तो क्या ये आप घर पे आके ये कैरेक्टर को जन्म देते थे आप? ये कैरेक्टर किसने दिया कैरेक्टर को? गुरन बाबा घर में तो ऐसे नहीं है ना, गुरन बाबा तो बिल्कुल सही बात है करना मुझे। हाँ, अब जो कुछ मुझे मिला करने को मैं करूंगा, जो कुछ तुम्हें मिला करने को तुम वो करोगे। तो क्रिएटिविटी कहाँ से? क्रिएटिविटी भी मैं बता रहा हूँ कि अब देखो ये मेंटल प्रिपरेशन क्या है, एक साधारण सा हाथ देखने वाला आकाश देख करके बताने वाला बारिश होगी कि नहीं होगी। हाँ, ये करेक्टर ऐसे तो दुनिया में जो है वो नॉर्मल से जरा एक्सीड करता है, जरा ज्यादा है, नॉर्मल आदमी नहीं जानता हाथ देख के नहीं बता सकता, नॉर्मल आदमी आकाश देख के नहीं बता सकता बारिश होगी कि नहीं होगी, इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये कैरेक्टर मेरे में एक एबनॉर्मलिटी थी इन कंपैरिजन टू अदर नॉर्मल पर्सन।
तो उसका और उसके बाद फिर मैं कुछ ऐसा वहां करूं, अब जन्म लेने लगे हमारे अंदर, जैसे कहते हैं ना बुलबुले कुलबुलाने लगे हमारे, जैसे बुलबुला फूटता है पानी पड़ा टुक बुलबुला हुआ फुट फुट ऐसे करके, ये एक अंदर जो मेंटल में जिसको कहते हैं रिमझिम बारिश होने लगी कि वो लॉरेन कॉन्स्टेंटाइन को अगर मैं याद करता हूँ तब ये तो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है लॉरेन कॉन्स्टेंटाइन। अब ये मेंटल प्रिपरेशन हमारी चलती थी और जब पक जाती थी तो मैं डायरेक्टर के पास जाके कहता बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि ये कैरेक्टर था और ऐसा था और ऐसा हिस्ट्री में हुआ, इंपोर्टेंट पास टाइम अगर तुम मंगा के देखो तो उसमें तुम्हें मिलेगा कि उसने विकेट कीपर सिक्सर मारा था और ये ऐसा अगर मैं करूंगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये जो बातें है ये अपील कर जाती थी डायरेक्टर को। हमारे डायरेक्टर आशुतोष ने हमारी उम्र देखते हुए और आमिर ने भी हमारी उम्र देखते हुए एक बात जरूर कहा, सीनियर मुझे महसूस करते हुए उन्होंने हमें हमेशा हमने जो कहा उस पे उन्होंने तरजीह दी, उस पे उन्होंने अंडरलाइन किया, तो इसका मैं हेड्स ऑफ करता हूँ क्योंकि ये एक रेपो जब तक बनती नहीं तब तक ऐसा आदमी दिल से बोलता भी नहीं है और दिल से बोलने वाले ही आगे बढ़ते हैं ये भी बता देता हूँ मैं। okay. क्योंकि दिल की बात है ये दिल की बात, अगर मैं बोलता हूँ मैं चाहता हूँ कि भाई चार चांद लगे, इनके काम में चार चांद लगे, मेरे काम में चार चांद लगे, सबके काम में चार चांद लगे, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, मेंटली अपने को प्रिपेयर करना पड़ता है, गियर देना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, उसके बाद फिर जा करके पूरा बैकअप वेकअप करके और तब वही चीज मेंटेन और सस्टेन करनी पड़ती है और तब जाके बोलना पड़ता है कि अगर आप परमिशन दें तो मैं ये कर दूं। जिसे बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ये है राजेश विवेक, आप सुन रहे हैं सच अ पर्सन हु इज रियली हैज अ निचे ऑफ स्पार्किंग द बिग स्क्रीन ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री। राजेश जी ये जानना चाहेंगे कि नहीं, अगर हम ये पहले जानना चाहेंगे आपसे कि नॉर्मली बहुत से आजकल कंट्रोवर्सीज होती हैं एक्टर्स लोगों की, वो कुछ लोगों का कंट्रोवर्सी के चक्कर में फेमस भी हो जाते हैं, कुछ लोग बेचारे उनकी टीआरपी भी लूज हो जाती है। लेकिन सवाल ये हम सवाल जानना चाहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग जो आपने अभी जैसे हमने आपसे वार्तालाप करी है ये इंस्पिरेशनल इंटरव्यू के पहले, वो थोड़ा सा अंश आप बताना चाहेंगे कि वो आपने बहुत पहले बताया था कि ये आदमी जो होता है आज 99% जैसे आपने शुरुआत में आपने बोला इस सेशन में कि 99% आजकल मैकेनिकल हो गया आदमी, बट 1% जो है वो ह्यूमन बीइंग है। वो बात बिल्कुल, वो तो लाजमी, वो हमारी बात क्या, वो तो संतों की बात है, वो तो संतों की बात है, वो तो संत कबीर दास हुए, संत गुरु नानक देव हुए, राधा स्वामी दयाल हुए, उनके वचनों में उनके शब्दों में जो है वो प्रमाणित है, वो कहा है उन्होंने, क्योंकि उनकी अनुभूति है, उनका अनुभव है, क्योंकि वो वहां से आए हैं जो कि सबको उद्धार करने के लिए, जैसे दुनिया भर के पैगंबर आते हैं, जैसे दुनिया भर के अपना जो है वो आते हैं जो क्या कहते हैं अवतार हैं हमारे यहाँ, चाहे वो विष्णु के हों चाहे वो रुद्र के हों, तो वो सब लोग आकर के सब उद्धार करते हैं, तो जिसकी जहां पे स्थिति होती है वहां तक वो ले जाता है, उद्धार करके वहां तक ले जाता है। तो ये हम लोग जो आए ये क्या है, ये पूरा मेटेरियलिस्टिक वर्ड है जिसको कहते हैं मॉर्टल है, मॉर्टल का मतलब होता है जो मर जाएगा, क्षणभंगुर है, जो अभी दिखाई देता है वो अभी नहीं है, अभी सुबह है शाम है ये है रात है दिन है पानी है आग है ये है, तो ये पांचों तत्वों का बना हुआ है शरीर जो है ये सब भोगता है यहाँ पे, क्योंकि पांचों तत्व जो है इनके कॉम्बिनेशन से ये शरीर बनता है, ये त्रिगुण में ही माया जो है सतरजतम वाली ये इसका कॉम्बिनेशन, और काल जो कि ये मालिक का सबसे बड़ा समझो पुत्र है जिसको हम शैतान कह दें, जिसको हम वो जो है आप समझ लीजिए तीन लोग का स्वामी है, भू स्व तीन लोग का स्वामी है, तो वो नहीं चाहता कि यहाँ पे आई हुई कोई भी स्पिरिट बाहर जा पाए क्योंकि वो भी निष्कासित है, तो उसको जब दरबार में दखल नहीं तो फिर बाकी लोगों को दरबार में क्यों जाने दे वो, क्योंकि उसका खास है, उसके बाद भी उसको, क्योंकि अगर ये सब ना हो तो आदमी मालिक का नाम नहीं लेगा, अगर आदमी फ्रस्ट्रेटेड हुआ तो फिर वो मालिक की तरफ तवज्जो नहीं देगा, तो ये सब उसने रचाया है मालिक ने इसलिए कि ये परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, जो कि आपको बीए इंटर और उसके लिए और एमबीए और इसके इंजीनियर के लिए और डॉक्टर के लिए जो परीक्षा पास करते हैं या प्रोफेसर बनने के लिए या क्या कहते हैं टीचर या डायरेक्टर बनने के लिए या प्रिंसिपल बनने के लिए जो आप कुछ करते हैं दुनिया में, या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो आप कुछ करते हैं, या प्रेसिडेंट बनने के लिए जो आपकी यात्रा होती है उसके ऊपर जो आपको फल मिलता है, बाद में जाके आप सोचते भी नहीं कभी आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नरेंद्र मोदी ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो सब कुछ आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक में सबकी सेवा करते हुए वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सब आपके किए हुए कर्मों का फल आपको मिलता है, एक दिन मिलता है, और आप उसको तब शुक्र, आपको हर पल शुक्र अदा करना चाहिए और तब भी शुक्र अदा करना चाहिए, फूल का कुप्पा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी जाने वाला है।
वेरी सब कुछ जाएगा, सब कुछ जाएगा, मगर जितने दिन आपको रहना है उसको आपको नाम याद रखना है। तो उस जिसको कहते हैं हमको हमारी यात्रा जो है वो है इस मॉर्टल दुनिया में, ये शरीर भी मेरा मॉर्टल है, मेरा मन भी मॉर्टल है, मेरी प्राण भी मॉर्टल है, सब यही रह जाएंगे, मगर आत्मा जो स्पिरिट इमॉर्टल है, जिसकी वजह से ये बल पा करके फूल रहे, पचक रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, सुख है या दुख है, इसकी अनुभूति हो रही है इनको, वो आत्मा है, इमॉर्टल है, वो मालिक की अंश है, वो मालिक का वो पार्ट है जो कि प्रकाशित है और प्रकाश किए रहता है और उसमें से शब्द गूंजता रहता है, इसीलिए हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं। अब मैं जीवित हूं तो उसकी वजह से जीवित हूं, तुम जीवित हो तो उसकी वजह से, तुम सुन रहे हो या तुम कह रहे हो तो मैं सुन रहा हूं, तो ये जो अदृश्य जो एक संपर्क हमारे तुम्हारे बीच में है, अदृश्य का है, ये दृश्यमान जगत में अदृश्य का जो संपर्क है वो हमारे तुम्हारे अदृश्य बैठा हुआ है। हमको वो इंट्रोवर्ट यात्रा करनी है तो वो 1% है केवल इस दुनिया में, और 99% बाहर की यात्रा है। बहुत 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 बड़ी बात, हमको 99 अंदर की करनी है और 1% खाली काम, इसको कहते हैं काम चल जाए यार, खाना पीना सुरखा सुखा जो मिल जाए, मस्ती वही है और कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए तो मैंने कहा कि इसीलिए आप एक नाइस ह्यूमन बीइंग के तौर पे जाने जाते हैं बॉलीवुड में, क्योंकि इतने अच्छे विचार जो है आपके हैं वो शायद बहुत ही कम एक्टर्स में आज। अब देखो तुम्हारी बात, ये जो तुम महसूस कर रहे हो, आज तुमने महसूस किया, आज तुम हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, आज हमारे पास आके तुम हमारे साथ, हम तुमको खाने के लिए भी पूछेंगे, पानी के लिए भी पूछेंगे, क्योंकि तुम भी उसी तरह से लगे हुए हो अपने स्फीयर में, अपने काम में बुरी मुस्तैदी से लगे हो। आज अगर तुम मुस्तैदी से नहीं लगे तो शायद मुझसे बात नहीं हो पाती और मैं बात नहीं कर पाता, मगर तुम लगे थे तो आज मुझसे बात हो गई क्योंकि मैं भी लगा हुआ हूँ। तो लगे रहना, एक लगन, किलारा, पैशन, पैशन जिसको कहते हैं, जिसको जुनून कहते हैं, जिसको धुन कहते हैं, ये धुन घट में बज रही है। बिल्कुल, ये धुन घट में बज रही ऐसे ही जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाते हुए, ये वाइब्रेशन है, ये नासा वाइब्रेशन है जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद लगा के कान में सुना है नासा वाइब्रेट करते हुए कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी में क्या वाइब्रेशन होती है जब सूरज की, और ऐसी सूरज की वाइब्रेशन है और बड़ी उसी है, उससे ऊपर जाने सूरज ऊपर और बड़ी और महीन होते हैं, जैसे सार तब तक सार तार सब तक के होते हैं, सारे गामा पादा नीसा, इस पर रियाज जिसने किया, स्वर सामग्री लता मंगेशकर, ऐसे हमारे विष्णु दिगंबर पुरस्कार, ऐसे ऐसे महान महान विभूतियां हुई हैं अपने भारतवर्ष में संगीत यात्रा में, कि आज उनको सबको भारत रत्न मिलता है। और जो आपने एक बहुत अलग किस्सा बताया था मुझे बहुत पहले जब हमारी आपकी बात हुई थी टेलीफोन पे, वो ये कि बच्चा जब जन्म लेता है वो क्या प्रोसेस क्या था, वो बच्चा वो क्या है कि देखो जब मालिक ने आज्ञा दी जाओ तुम जिसको काल कहते हैं, जिसका भू हुआ स्व तीनों हाथ में, आज हम लोग अभिवादन करते हैं, बोलते हैं कि शुभ प्रभात बोलते हैं, सवेरा होता है या तो शुभ सकाल बोलते हैं, सब पंचांग में लिखा रहता है, मगर वो ठीक है, शुभ हो वो आपके लिए शुभ है, वो आप अगर सही हैं तो आपके आगे वो विघ्न डालने के बजाय आपके लिए हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, आपका मार्ग प्रशस्त कर देगा, वो जो आपका दुश्मन है वो भी। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप सच्चे हैं और उसका भला चाहते हैं तो दुश्मन भी आपका मित्र बन सकता है। बहुत बड़ी बात कही। अब वो गर्भ वाली बात बताता हूँ, जब हम गर्भ में जब हम आते, वहां से निर्देश मिलता है तुम्हें जाना है मृत्युलोक में, भूलोक में, तो हम जब आते हैं तो हम गर्भ में 9 महीने हमारे एक प्रोसेस है, कोई होता है ऐदा कदा, कोई 8 महीने में आ जाता है, कोई 7 महीने में आ जाता है, कोई 9 महीने में आता है, कोई 10 महीने में आता है, जो बड़े होते हैं ध्यानी मग्नी जो होते हैं और ब्रह्म पार ब्रह्म परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाने वाले, वो हजूर महाराज सब रसमी दयाल की तरह 18 महीने गर्भ में रहते हैं और आते हैं सबके उपकार के लिए, सबके उद्धार के लिए, तो जो उनका कंसंट्रेशन उससे माँ और पिता को तकलीफ भी नहीं होती है, गर्भ में माता को कोई जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ध्यान लगा हुआ है, वो छटपटा नहीं रहा है आने के लिए, व्याकुल नहीं है, मार हाथ पैर मार रहा है तब दर्द होगा, जो ध्यानस्थ है समाधिस्थ है वो तो आनंद ही देगा, आएगा तो जाएगा तो रहेगा तो, क्योंकि वो तो अदृश्य नेत्र शब्द ने रूप धारण किया है, शब्द ने
ओम शब्द ने रूप धारण किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, गणेश पैदा हुए, उससे ऊपर के शब्द ने जो रूप धारण किया तो पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर जिनके चरण है ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी निरंजन अलोक निरंजन वो पैदा हुए, और उसके ऊपर भी चले जाओ अगर संतों की कृपा से जो वहां से आए सतलोक से आए तो वहां सोहम 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 ये जो घंट में घट में ये दर्शन करना, घट में धुन को सुनना और शब्द को सुन करके अपनी सूरत को यानी अपनी आत्मा को उस शब्द में पिरोना और उस प्रकाशमय में उस गुरु रूप की मूर्ति को देखना। गुरु सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है। माता पिता कहते हैं ये तुम्हारे गुरु है, स्कूल में कॉलेज में फिर आप जाते हैं कहते हैं ये गुरु है, वो आगे जाते हैं गुरुदेव प्रणाम करते 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 आप एमए कर लेते हो, सब आप कर लीजिए पीएचडी कर लीजिए डिलीज कर लीजिए, वो साहित्यिक गुरु हैं, वो आपके क्या कहते हैं सांस्कृतिक गुरु हैं, वो आपके मगर आध्यात्मिक जो आत्मा का दर्शन अंदर करा दे वो सबसे बड़ा गुरु होता है। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद हो खड़े काके लगे पाओ बलिहारी गुरु, आपने गोविंद ही बताया, गोविंद की पहचान मुझे नहीं हो पाती, आपने बताया तो है। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेन। तो अभी तो टीचर्स डे तो अभी बीता है, तो टीचर्स डे पे सब जगह यही लिख के आता है, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो सब में लिख आता है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी भेजते हैं टीचर्स डे पे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण को कोट करते हैं। तो गुरु और सदगुरु और संत सदगुरु और परम संत सदगुरु एक एक स्टेजेस हैं, एक एक स्टेज एक एक जन्म में भी पार हो जाए तो मैं समझता हूं कम है। तो हम उसी प्रोसेस में हैं, दुनिया में आए हैं तो दुनिया का भला जितना हो जाए हमारे द्वारा मालिक करवा दें, हम उसमें विश्वास रखते हैं हमसे भला हो, मेरा स्वयं का सबसे पहले हित हो तभी मैं दूसरे का हित कर सकता हूं, मेरा स्वयं का अगर हित नहीं होगा अहित होगा तो मैं अहित ही करूंगा, ये नियम है। भला करोगे तो भला ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, ये आज की बात नहीं है। कहे पानी पियो छान के गुरु करो जान के, तो ऐसे नहीं है, बिना जान पहले जानना पड़ता है फिर पहचानना पड़ता है फिर अभ्यास करना पड़ता है, फिर अभ्यास करते 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 जड़मत हो तो जान। लेकिन जो बोलते हैं लोग आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि भाई जमाना बदल गया है, अपने आप को भी ढाल लो जमाने के साथ में और नई नई चीजें करो, ऐश भी करो तो ठीक है, ऐश करने में कोई बुराई थोड़ा है, अगर सेफ ऐशी करे तो भाई आदमी तो नहीं। अभी क्या है ये सब, यही सब दूर के ढोल सुहावन आ गए बेटा, तो पता चलेगा कि ओखली में सर दे दिया, मूसल से डरना नहीं बेटा पड़ेगा, मूसल कूचेगा तुम्हें दे कचकच दे कचकच दे कचकच दे कचकच कुचवाते रहो, तब जाके पता चलेगा कि हाँ अब मुलायम हो गए, जब मुलायम हो जाओगे तब जाके पता चलेगा कि हाँ अब तुम मक्खन बने हो, अब मक्खन बने तब तुम अब घी बन गए हो, अब तुम प्रकाश कर सकते हो, जरा से बाती लगा करके उसमें जला देंगे आग तब तुम प्रकाश करोगे, इतना जो मन को मारे गारे और फटकारे और सही जो है संगत करे, ये क्षण भंगुर संगत जो है नाम मात्र की है, ये मजा ले लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे वो कर लेंगे, इस अल्लाह रसातल में ले जाता है, एकदम नीचे ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा आदमी, काश अपना पूरा जितना धन है वो लाया वो खर्च हो जाएगा, अपना इसमें शबाब में कबाब में ये वैश्यावृत्ति में सब में पूरा अपना खराब हो जाएगा, वो उसका अपना शरीर खराब हो जाएगा, उसका मन खराब हो जाएगा, वो सब जो है रसातल में जाएगा, कीड़ा बन जाएगा वो कीड़ा। बिल्कुल बहुत सही बात कह रहे हैं राजेश जी हमारे साथ में। दोस्तों आप सुन रहे होंगे कि ये सिर्फ एक नॉर्मल इंटरव्यू नहीं, इंस्पिरेशनल इंटरव्यू इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है आज राजेश जी जहां पर हैं दुनिया उनको जानती है, दुनिया तो छोड़िए आप भी जानते हैं कि जब सिनेमा हॉल में बैठे थे तो कहीं ना कहीं आपने भी तालियां बजाई, आपने भी जो है हूटिंग करी है इनकी परफॉर्मेंस को देखिए, परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि चूंकि इतने अच्छे इंसान है इसलिए लोग उनको पसंद भी करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप राजेश जी की ये वाली बात अगर आप ग्रहण कर लें, भले ही आप भगवान की बातें ना आंसर ना कर दें या कुछ भी कर ले ठीक है भगवान सब कुछ होते हैं, लेकिन राजेश जी भी भगवान से उन्होंने अच्छी चीजें सीखी हैं इसलिए आज वो विकिपीडिया पे दुनिया उनको जानती है। राजेश जी ये एक बात बताना तुम्हें भूल गया, तुमने पूछा था शुरू में जैसे मुझे पहली परफॉर्मेंस जब मिली मैं मेंटली जैसे कहते हैं जब स्टेज के लिए मैंने कितना प्रयत्न किया था जाके स्टेज पे आया,
बचपन से ही एक भाव रखता थे, माँ हमें तैयार करती थी, इधर बेचती थी, ऐसे करती थी स्टेज पे के लिए, फिर ये चरित्र करना, मुझे कमरे में बैठ के मैं उस चरित्र को लेकर के आत्मसात करता था, वो पूरी चरित्र उसको पीता था, कैसे करके पूरा डायलॉग पहले संवाद याद करता था, फिर संवाद को तरह तरह से करने की कोशिश करता था कि ये अच्छा होगा, कि ये अच्छा होगा, कि ये अच्छा होगा, कि ये इस ढंग से अच्छा होगा, तो करते 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 फिर एक साधारण नॉर्मल होकर के धीरे से बोलता था, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, दुनिया भर का आप कर लो, मगर जब एकदम पस्त हो जाओ और तब आप धीरे से बोलो, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, मुझसे कोई करवाता है, वो बल देता है तभी मैं कर पाता हूं, वो शक्ति मेरे में है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, वो मेरी आत्मशक्ति, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो करवाता है, और ये आत्मा किसकी अंश है, ये परमात्मा की अंश है, पार ब्रह्म परमपिता परमेश्वर, उसको जानने वाला कौन होता है, या तो माँ या पिता या गुरु, अगर माँ गुरु है पिता गुरु है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो माता पिता कहते हैं बेटा ये गुरु है तुम्हारे, तो उनके पास जाओ, फिर वो कहेंगे ये हमसे बड़े ये, उस गुरु के पास जाओ, फिर वो कहेंगे हम सबसे बड़े ये, इनके पास जाओ, तो उनके पास जाओ, पता लगाते लगाते जब तुम ऐसे गूगल में सर्च करते हो, ऐसे तुम दुनिया में जाके सर्च करो खुद, तब तुम्हें पता चलेगा यार अभी तो बड़ी लंबी यात्रा करनी है, क्योंकि ये जो सबसे आखिर जिसका नाम लिया वो तो कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, आई एम नथिंग, बिल्कुल वो कहता है आई एम नथिंग, जिसके पास पूरी नॉलेज लेने के लिए आप जाएगा आप कुछ नहीं, क्योंकि वो भी अंतर ही अंतर में यात्रा करने के लिए चल पड़ा है, और वो समझता है कि ये मेरी यात्रा भी बहुत लंबी है, और वो भी सच्चा है, मालिक के प्रति जो सच्चा रहता है वो अपने प्रति सच्चा होता है, वो दूसरे के प्रति भी सच्चा होता है, मालिक एक प्रकाश है जो सब देख लेता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा गुरु की तो अभी आपने बात करी, तो ये बताइए कि बेनेगल साहब ने जब आपको शाम बेनेगल साहब ने पहला ब्रेक दिया तो वो भी आपके लिए आज भी गुरु समान है, इससे आप इंस्पायर होते हैं, जिससे आपको लगता है कि अरे हाँ सूत्र मिल गया, वो आपका गुरु हो जाता है उसी पल में। तो ये जो पहले आपने मेंटल प्रिपरेशन क्या किया जब आपका पहला ब्रेक आपको जब मिला था? भाई जब उन्होंने कहा ये रोल करना है तो हमारा कमरा था और नसीर का कमरा था, हम लोग पास पास में थे, लखनऊ की बात है, तो नसीर ने ही सबसे पहले मुझे क्या कहते हैं बताया था कि एनएसडी में एक दिन वो अपना तब वो अंकुर निशांत किया था उसने, मंथन करने वाला था, तो फिर वो आया सामने से, मैं नीचे से उतरा रविंद्र भवन में आ रहा था, वो उधर से दे रहा था इधर से, तो उसने कहा मिल गई तुम्हें फिल्म, उन्होंने कहा तुम्हारी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा श्याम, मैंने कहा हाँ, तो उसके बाद फिर श्याम मेरे मेरा काम देखने आया, उसके बाद उन्होंने डन किया, तो बात ये थी कि मैं थे तो साथ साथ में थे, मगर ये कि नसीर हमसे एक साल सीनियर थे, और ओमपुरी भी, और रोहिणी अतगणी मेरे क्लास में थी, और रतन कुमार थे हम जो इस वक्त चेयरमैन है नेशनल ड्रामा के, इसके पहले डायरेक्टर थे वो वहाँ के, वो हमारे क्लासमेट थे, रूममेट थे, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे सब, और बहुत ही कर्मठ लोग, बहुत मेहनत करने वाले ये सब लोग थे, तो उनके साथ हमारा वास्ता पड़ता रहता, तो खैर तो साथ में फिल्में भी करेंगे साथ में, तो उस फिल्म में अब साथ में, तो हमने नसीर से कहा यार बताओ जरा क्या यार ये कैरेक्टर हमको बताया है, ऐसा हॉल तारी होता है, ये होता है, ट्रांस में रहता है, ये होता है, अरे यार मुझसे क्या, मुझे तुम जानते हो, मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है, वो कैरेक्टर है, अब मैं करने को कर लूंगा, मगर थोड़ी तफ्तीश थोड़ा जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, क्या आपा साहब को पूछो, आपा साहब को, तो मैंने कहा आपा साहब इस वक्त चुकता ही जो उर्दू की राइटर थी मशहूर, वो उसमें दादी का रोल कर रही, मैं उनके पास गया, मैंने देखा था मक्का मदीना में, उन्होंने कहा आपा साहब ने कि वहाँ पे वो हाल तारी था, वो बस खाली अल्लाह अल्लाह करता था और देखता रहता था, आंखें उसकी ऊपर चढ़ी थी, उंगली भी ऐसे एक रहती थी हवा में, हमें थोड़ा मिला जानकारी, उसकी जीभ भी ऐसे ऊपर हो जाती थी, ऐसे हो जाती, तो मैंने कहा यार वाह वाह वाह, हमने कहा आपने देखा था, हमने कहा हाँ हमने देखा, हमने कहा चलो ये भी डाल दूंगा, अब ये भी कर दूंगा, फिर ये सब करते 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 अल्टीमेटली मैंने श्याम मेरे से कहा भैया आप कब शूटिंग करोगे मेरी कल, कहे हाँ, तो मैंने कहा कहाँ पे करोगे, कहे मरियाबाद में, वहाँ पे करेंगे, हमने कहा वो जगह मैं देख सकता हूँ पहले से, कहे वो जगह आप हाँ हाँ देख सकते हैं, हमने कहा ऐसा करो ना कि आप जब आओगे वहाँ पे तो उसके पहले मैं वहां पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है, तो वो मैं एक्वेंटेड हो जाऊंगा उस जगह से, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, आप तो बाद में आए हो ना, आप तो डायरेक्टर बन के आए हो, चाहे आप कोई भी वहां पे विजिट करेगा, चाहे कबूतर भी आएगा, तो वो तो परमिशन ले चाहे नहीं लेगा, हम उसको इजाजत दें आना दें वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हम तो उस मस्जिद के वहां उस इलाके में वहां पे कोई वीराना है एकदम, आप बता रहे हो तो वीराने में सबसे पहले हम वहीं पे हम तो रहेंगे ना, तो मैं वहां सबसे पहले जाना चाहता हूँ आपके भी पहले, तो कहने लगे कि हाँ,
उन्होंने कहा कार भेज दो, वहाँ पे हमें ड्राइवर ले जाए, अगर जो ड्राइवर वहाँ पे जानता है पहले से गया आपके साथ वो हमें पहुँचा दे वहाँ पे, फिर आप लोग आ जाएगा वो आपको पिकअप कर लेगा। ठीक भैया, मैं वहां पे जा करके पहुंचा तो वहां पे एक पेड़ था बहुत बड़ा और बड़ी खामोशी थी और मस्जिद का बड़ा पुराना वसी सहन था, वहां पे जाके मैं बैठा तो मुझे वो दरिया शाह जो मैं करता था स्टेज, जिस परफॉर्मेंस को देख के शाह मेरे ने मुझे इस रोल को दिया वो रोल पहले याद किया मैं, जिसको देखा था उन्होंने उसमें गया। अब उसमें जब उतरा मैं दरिया शाह में तो हेलो अलोक अल्लाह, ये मरोवत और अदावत में जमीर पाक रहे, अब ये सब गुजर अंदर हमारे गूंज रहा है, नफे और नुकसान में शिरकत न हो, नजारे का रंग नजर पे चढ़ने न पाए, अलोक अल्लाह इस पे मैं चल रहा। ये तीन बातें मुस्तैदी से पालन करने के लिए मैं बैठ गया, जो कि मुझे स्क्रिप्ट में या श्याम बेनेगल ने या सदे दुबे ने कुछ नहीं बताई है, उस मेंटल प्रिपरेशन जिसको कहते हैं उस करेक्टर के लिए कि एक औलिया है, वो औलिया क्या है, उसमें कैसे मर्ज किया जाए अपने को, वो बूस्ट करने के लिए मैंने अपने को जो मेडिसिन दी वो ये टेबलेट्स थी। अब ये देने के बाद फिर मैं चला गया सीधे शम्स तबरेज के मौलाना रूम, जैसे यहाँ अजमेर शरीफ में है चिश्ती साहब जैसे वहां पे सब लोग जो है औलिया लोग कहलाते हैं, अब उनकी ट्रेवल कर रहा हूं मैं वहीं बैठे बैठे, और धीरे धीरे अपने हाथों से मट्टी लेके जमीन की अपने सर पे डालना, ऐसे से डालना। अभी किसी ने बताया नहीं है मगर अब हालता नहीं हो गया मेरा, अब शुरू हो गया हुआ है धीरे धीरे, अब एकदम कैरेक्टर में अब जाने के लिए पूरा दरवाजा खुल रहा है मेरा, और अभी अबाबील है कोई फाख्ता है कोई परिंदा है वहां से कुछ आवा, मैंने कहा ये आत्मा की आवाज है, उसे एसोसिएट कर दिया। अब देख रहे काफिला धीरे धीरे आ रहा है, इनका पूरा अपना क्रू विजिबल हो रहा है मेरी साइड में, ऊपर हूँ पगडंडी नीचे चला आ रहा है, अरे वेरी गुड आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक कवारी हमें सुनानी है, अब वो कवारी मुझे पहले भी नहीं सुनाई है उन्होंने, वो कवारी है मारंग फिर अमीर खुसरो ने, पहली कवारी हिंदुस्तान में जो इजाद हुई वो अमीर खुसरो ने किया, वो ये कवाली थी जो निजामुद्दीन औलिया के लिए उन्होंने गाई थी और रची थी और खुद गाई थी अमीर खुसरो, जिन्होंने ये तबला बनाया, तबला भी उन्हीं का साज बना हुआ है, ये जो ये अपना सरोद है ये भी उन्हीं का बना हुआ है, सितार से बनाया है, ये सब उन्हीं का इजाद किया हुआ है अमीर खुसरो का, तो वो शख्सियत भी मर्ज कर गई। अब मैं याद कर रहा हूं मौलाना रूम को, जिन्होंने कहा कि एक शेर था उनका, ये मेंटली प्रिपरेशन है, सब मेंटल प्रिपरेशन है, क्या कि वीरा जबकि हम हुए बस्ती नजर पड़ी और नेस्त नेस्नाबूद, नेस्त जबकि हम हुए हस्ती नजर पड़ी, देखा कि खाक सारी ही आली मुकाम है और जो जो बुलंद हम हुए बस्ती नजर पड़ी। तो ये रियाज है, ये अभ्यास है कि जब आप मालिक के दर्शन करते हैं आप भाव विवल होकर आत्म नतमस्तक हो जाते हैं और फिर झुक जाते हैं सजदे में गिर जाते हैं, फिर आपको पूरी बस्ती दिखाई देती, फिर फिर आप शुक्र अदा करते हैं। तो ये बराबर चलते रहना चाहिए, जैसे सांस आती जाती है हर सांस के साथ आप शुक्र अदा कर रहे हैं, ये भाव बना रहे हैं। और इस भाव में मैं वहां पे था तब ये लोग आए, कैमरा लगा दिया एकदम मुंह पे हमारे और वहां कवाली शुरू हो गई। अब कवाली तो बाद में लगे, पूरा कवाली पीछे चली और पूरा लगा दिया और पूरा एक बार में हो गया सब। और फिर नसीब ने आगे गोद में लेके नचाया मुझे, कहा क्या नशा करते, मैंने कहा वो मालिक का नशा है। अच्छा राजेश जी ये बताइए कि बेसिकली आप जैसे इतने व्यस्त रहते हैं, शूटिंग्स रहती हैं, जब आप फ्री रहते हैं तो नॉर्मली आप क्या करना पसंद करते हैं फ्री में? आप स्पोर्ट्स नहीं करते हैं? स्पोर्ट्स देखते नहीं है, क्रिकेट देखते हैं? कुछ नहीं, सब कर चुके हैं हम, सब कुछ कर। आज भी वो शौक नहीं क्रिकेट देखना, इंडियन टीम वगैरह? देखता हूं टीवी पे, सब देखता हूं टीवी पे, मैं देखता हूं लगातार, टीवी देखता रहता हूं टीवी पे, हर चैनल देखता रहता हूं, स्पोर्ट्स ये वो। टीवी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? देखो भाई
एक मोटा मोटा दुनिया में क्या हो रहा है, एक तो समाचार जो भी है नरेंद्र मोदी से लेकर के और बाकी के पक्ष वाले क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, हिंदुस्तान के अगल बगल में जो और है वो क्या कर रहे हैं, वो उधर ब्रिक्स सम्मेलन में चले गए, फिर जापान चले गए, फिर जापान में क्या हो रहा है, जापान की हमें मालूम है कि मतलब कि वहाँ की जो परंपरा रही है, नो थिएटर होता है वहाँ, काबुकी होता है। तो हमारे अलकाजी साहब ने सब जहाँ भी सांस्कृतिक दुनिया में जहाँ जहाँ जो कुछ होते हैं, अब पंडित जो अब वहाँ पे रहते हुए विवेक कारंत के गुरु थे डॉक्टर शिवराम कारंत, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, वो यक्षगान के बड़े मसीहा थे और यक्षगान में मैंने परशुराम किया उनके निर्देशन में, ऐसे बड़े बड़े लोगों के निर्देशन में बड़े बड़े करेक्टर किए हैं, अलकाजी के और फिर विवेक कारंत के तो करते ही रहते थे। तो कहने का मतलब ये कि इन लोगों के संपर्क में रहने से हमको जो कुछ भी हुआ हुआ, और फिर उसके बाद मैंने दुनिया भर के खेल जितने भी हैं बिलियर्ड्स वगैरह सब खेले और सब मैं आनंद लिया, और फिर उनकी याद रहती है तो अपना देखता रहता हूँ, सांस लेता रहता हूँ, छोड़ता रहता हूँ, तो हर पल मालिक को याद करता रहता हूँ, जैसे आहुति दे रहा हूँ, ये तो अपना चलता रहता है एक सिस्टम। सबसे ज्यादा हमारा जो है वो मालिक को याद करने का है, और वो मालिक हमेशा हमारे में पेबस्त रहे, हमें अब जो है जिस तरफ वो कहेंगे, जिस तरफ हमें प्रेरणा देंगे उसी तरफ मैं जाऊँगा, वही करूंगा। अब तुमको हाँ कहने का भी मालिक ने मुझे स्वीकृति दी, तभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और ये सच बताता हूँ मैं, चाहे बच्चे हैं हमारे, दो बच्चे हैं, एक तो वहाँ पे आपके बॉलीवुड में, जैसे कहते हैं कि अब तो बॉलीवुड की मिसाइल हैं आप, घर में सबसे बड़ा मिसाइल कौन है, आप हैं, आपकी वाइफ हैं या आपके बच्चे हैं? मालिक है, मालिक ये मालिक है, मालिक इतने बड़े मिसाइल कोई नहीं, सैटेलाइट है वो, सैटेलाइट लॉन्च हो जाते हैं वो, लेकिन घर में सबसे बड़ा जो एनर्जी जो पैदा करता है, घर में एनर्जी वाला कौन है, आप हैं? उनसे पूछ लो, बता देंगे। अच्छा अच्छा, ये बताइए बच्चों के बारे में आपने, जैसे मतलब आप इतने एनर्जी का, आप बच्चों को क्या मोटिवेट करते हैं स्कूल में, एनर्जी के साथ में मोटिवेट करते हैं या कैसे, बच्चे आपकी तरह बिल्कुल एनर्जी है क्या, एनर्जेटिक है आपके बच्चे? हमारे बच्चे देखो एनर्जी, अब उसके लिए वो क्या है, अपना सोलर एनर्जी वारी ग्रुप में वो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, वो सोलर एनर्जी का पूरा सोलर सिस्टम लगा, जिसको कहते हैं अपना सोलर एनर्जी प्लांट लगाता है वो, तो उसमें एनर्जी है तो वो ये कर रहा है। और बाकी एक सॉफ्टवेयर है हमारा, डेवलपर है वो, अपना फ्यूचर जनरली ग्रुप में वो घोड़ बंदर जाता है, सुबह 7 बजे जाता है, बातचीत में सब हमारे टक्कर में, सब टक्कर के ये भी कम नहीं है वो, अपना वो दोनों भी कम नहीं है वो भी, अगर मैं दहाड़ा जोर से तो फिर वो भी दहाड़ते हैं। और फिर मैं तो जंगल में एक सवाल अगर पूछा जाएगा कि हमरे स्टेज में जंगल में आप गए और शेर आपको सामने मिला तो क्या होगा, भागेंगे कि उसको भगा देंगे आप? नहीं, गुरन की तरह दोस्ती, अंग्रेजों को आपने भगा दिया, मगर शेर को मैं नहीं भगाऊंगा। और शेर अगर खुद चला गया तो चला जाए, मैं तो वहां से जाऊंगा नहीं, मगर शेर अगर खुद चला गया तो चला गया, मगर दोस्ती हो जाएगी मुझे लगता है। लेकिन कहावत तो है जंगल में सिर्फ एक ही शेर रहता है, तो वो शेर कौन है वो जानना चाहेंगे, उसको बता दूंगा वही है। और मैं तुम्हें बताऊं शेर की बात तुमने कही, तो शेर के लिए मैंने बहुत कोशिश की, अपना जू था और उसमें मैंने देखा तो मुझे शाहजहां लगा, वो जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को बंद कर दिया था, तो वो शेर जो था बहुत उम्र का था और यूं पैतरा ले रहा था, और बहुत बड़े जिसको कहते पानी के चारों तरफ तालाब के बीच में उसका जंगला लगा हुआ था कि वहां तक कोई पहुंच ना पाए, वहां से मैंने उसको कौर्णिस सलाम किया 3-4 बार ऐसे ऐसे, जैसे कि दरबार में जाके बादशाह को करते हैं। तो वो टहलना उसका बंद हो गया और बैठ करके उसके आंखें आंसू गिरने लगे, रोने लगा शेर, रोने लगा शेर, रोने लगा क्योंकि इतना आज तक किसी ने उसको सम्मान दिया नहीं था। और सम्मान लेने के बाद मैंने कहा तू तो वहां बंद भाई, मैं इस दुनिया में बंद हूं, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं, लेकिन वहां पे कर रहा मैं यहाँ कर रहा हूं। और कम से कम 80 बच्चे शेर के उसी के पीढ़ी दर पीढ़ी के रहे होंगे, वो पीछे के जंगले में थे, और मैंने कहा बहुत बड़ी तेज 40 डिग्री का तापमान था, कोई नहीं था जू में, मैं टिकट लेके गया था और एक हमारा साथ में जो था इकबाल, वो बड़ा भारी अपने इंडस्ट्री के वो हुए थे गोप, नाम सुना होगा तुमने, याकूब का लड़का था वो इकबाल, वो ट्रांजिस्टर का जमाना था तो ये नहीं आया था, तो ट्रांजिस्टर में वो धुन लगा रहा था, वो इंग्लिश धुन आ रही थी कभी ये धुन, मैंने कहा उसको ठीक कर ले यार, तो प्रॉपर एक धुन लगा कायदे से, नहीं तो ये लोग कहेंगे वो तुम्हारी इंग्लिश धुन लेकर बिगड़ न जाए, इसलिए जरा शहनाई लगाओ, जरा बांसुरी सुनाओ तो ये लोग खुश रहेंगे, ऐसा मैं बोल रहा था। शेर उसके पीछे उसका पूरा कुनबा जंगले में मुंह लगा के मेरी परफॉर्मेंस देख रहा, तो मैं शेर के सामने नाच रहा था, ये दुनिया है, इस दुनिया में मैं आया, तू आया, नहीं तो ये धरती है, तो शेर के मैं नाच रहा, और शेर चुपचाप बैठ के देख रहा था, पहले जो हमने ही परफॉर्मेंस किए तो वो टहल रहा था, बड़ा परेशान था, जब मैं वहां पहुंचा तब वो स्थिर हो गया और बैठ करके मेरा देखने लगा, और जब मैंने कहा तू बादशाह है
तू शाहजहां तो नहीं है? और वो रोने लगा और रोने लगा। फिर मैंने अपनी परफॉर्मेंस उसको दिखाई, हमने कहा सबके लिए तो मैं करता हूँ, ये इनके लिए कोई टिकट लगा के इनको दिखाता नहीं, आज मैं इनको दिखाऊंगा अपनी परफॉर्मेंस। और वहां नाचना शुरू किया और नाचते हुए जब पीछे मुड़ा तो देखा 80 बच्चे शेर के छोटे बड़े सब साइज के बहुत बड़े जंगले में, सब जंगले में मुंह लगा के मेरी परफॉर्मेंस देख रहे थे, सबका मुंह खुला था नहीं बल्कि उनकी। और फिर उनको प्यास लगी एक, फिर मैं जब उनको देखा तो मैंने कहा अरे यार तू हर साइज के है और सब मुझे ही देख रहे हैं ऐसा लग रहा मुझे। और मेरा गला सूख रहा था, मैंने गले पे हाथ ऐसे फेरा, तब तक उसको लगा, बच्चे को लगा कि उसको प्यास लगी, वो पीछे जाके उसने पानी पिया तो सब जाके पानी पीने लगे, तो मुझे भी प्यास लग गई। तो मैंने कहा मैं भी पानी पीऊंगा, तो मैंने कहा तू भी पानी पी, बादशाह को कहा कि तू भी पानी पी, अपना कहीं अंदर रखा नहीं हो तो मैं मंगवाता हूँ पानी, और मुझे पानी पीने लगे, प्यास लगी करके मैं चला गया। फिर वहां में भगवान शंकर की जटा से पानी गिरा तो वो पिया मैं। नहीं शेर तो आंसू गिरा क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी इज्जत तो उसको कभी नहीं मिली। लेकिन एक बड़ी शिकायत भी बच्चे लोग इसलिए आए थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि मेरी डैडी का जो है नाम विकीपीडिया पे नहीं आया लेकिन राजेश विवेक का विकीपीडिया पे आ गया, वो कैसे? अच्छा राजेश जी ये बताइए कि अंतिम पड़ाव में है, ये जानना चाहेंगे कि आज आप इतने सफल कलाकार हैं, दुनिया जानती है, इतनी शोहरत, इतनी रिस्पेक्ट, जो जहां जहां बोलिए बच्चा तो बच्चा, बूढ़ा तो बूढ़ा भी, आपके अगर आप मान लो वो फिल्म में आ जाता है तो वो कम से कम वो आपके लिए इंतजार करता है, वो फिल्म का इंतजार करता है। मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ था, मैं पता चला महाभारत में कास्टिंग हो रही, तो राज कपूर ने तो यहां तक कह दिया था कि ये चाहे हिमालय में बैठा उसको पकड़ के लाओ। तो राज कपूर, हम जब शशि कपूर के पास कुछ पैसे की जरूरत पड़ी मुझे, तो शशि कपूर के पास मैं गया, मैंने कहा यार कुछ पैसे दो यार, कहा मेरी फिल्म कर लो ना दूसरी फिल्म, तू अब तक थे कहाँ, तीन चार फिल्में मैं नहीं, मैं बहुत याद किया तुम आए नहीं, ये वो, तो अभी गिरीश खन्ना जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम उन्हीं से पैसा ले लेना ले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा अरे हाँ तुम्हें भैया याद कर रहे थे, वो कह रहे थे ये एक्टर हो ही नहीं सकता, ये तो पूरा फकीर है, ये फकीर है, ये एक्टर नहीं है, तुम फकीर पकड़ के लाए हो। तो मैंने कहा नहीं वो बकायदा ट्रेंड एक्टर है, उससे मैंने करवाया, अगर एक्टर है तो मैं उसके लिए सीन मेरे राम तेरी गंगा मैली उसको कहो वो करे मुझसे मिले, तो उनको याद आ गया, तुमने बताया तो हम फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे हैं, तुम जाओ मिल लो। तो फिर मैं फिल्म सिटी गया शूटिंग करने, अब उनकी देख चल रही थी, और वहां पहुंचा मैं तो बड़े बुखार सा था मुझे, मेरे सर पे अपने रुमाल बांध रखा था जोर से कस के, सर में दर्द ना हो। तो गया तो वैसे उनका शॉट हुआ, वो उस वक्त पहली बार वीडियो आया हुआ था और राज कपूर अपना वीडियो से भी फिल्म ले रहे थे अपने से, और माइक पे अनाउंस कर रहे थे ये शॉट, और फिर अपने से वीडियो से भी ले रहे थे, दोनों कंप्लीट किया उन्होंने, मतलब अपना जो शॉट था वो भी लिया, अपना सही जाफरी अपना ढूंढ रहे थे लड़के को अपना, बस बस वहां पे खड़ी थी, और तब तक आए इधर, तब तक मैं अपना पहाड़ी चढ़ के ऊपर आ रहा था, कोई कारोबार तो थी नहीं, बस से उतरा था, तो अपना ऊपर आया तो सामने राज कपूर खड़ा हो गया, तो राज कपूर मुझे देखे खड़े है, दाढ़ी बाल में था मैं पूरा जैसे बाबा रामदेव है, तो ऐसे करके पीछे एक कदम पीछे गए, तो मैंने कहा जिसकी आपको तलाश थी वो मैं ही हूँ, और करके मैंने अपनी आंखें ऊपर कर दी ऐसे, तो कहे ओ सीटी मारी उन्हें लंबी एकदम, वो जिसको कहते टपोरी जैसे मारते, हम मार करके मिल गया मुझे मिल गया। और फिर सही जाफरी और ये सब करते कुलभूषण खड़े 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 हो सब लोग, इनको ये होगा ओ इतनी बापे बापरे, और ये हीरा चमक गया रहा फिर उन्होंने करवाया। अच्छा एक परफॉर्मेंस आपकी सुनना चाहेंगे, आपके जितने भी जो इंस्पायरिंग जो टैलेंट्स जो आपकी तरह जो बनना है फेमस, वो एक परफॉर्मेंस आपसे एक सुनना चाहेंगे जो आपको बहुत जो लोगों को बहुत हंसाई है, वो एक बार दोबारा सुनना चाहेंगे लाइव। क्या लाइव में तो ये अब लगान में बर्थडे पे हम पूरी लगान की टीम को बुलाया था, मैंने कहा तू मेरे डायलॉग बोल के मेरी एक्टिंग कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, अरे वाह कमाल हो गया। तो वो बता रहे थे कि ये आया हुआ है सामने खड़ा है, मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे थे इस तरह से, मगर वो अपने मूड में थी झूले पे बैठी हुई थी सुनाई, तो वो ये डायलॉग था बड़ा फेवरेट हुआ था लगान का ना, बॉल पर हाथ में लेकर के मैंने एकदम आकाश की तरफ देखा, बॉलिंग देखने करने के पहले आकाश की तरफ बॉल को एक आकाश में दिखा दिया, सूरज को, सूरज ऊपर थे एकदम, और बजरंग बली को याद किया और कहा बजरंग बली से सूरज को दिखा गए बाल सा, जिसे साक्षी है सूरज, और बजरंग बली से ताकतवर, जब बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली करके बाल फिर सीधे हाथ बिना मोड़े हाथ सीधा लाया, और फिर फिरंगी और फिर उसका दौड़ लगा के जो बॉलिंग की मैंने, तो
वो उठा लिया सब लोगों ने। और स्वदेश का एक अच्छा कोई कॉमिक डायलॉग जो, अरे वो तो बड़ा अच्छा, वो मेरा बहुत मन पसंद रहा वो, वो वो तो वो था जब ये हमारे पोस्ट ऑफिस के सामने से गुजरता रहता है तो एक लड़का भी साथ में छोड़ा है उसके, तो मैं देखता हूँ तो मैंने बहुत बता रहा हूँ मैं तो पोस्ट ऑफिस में बहुत करता हूँ, ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, करना पड़ता है जमाने में आए हैं तो सबका ख्याल रखना ही पड़ता है। व्हाट कैन आई डू यू फॉर यू सर प्लीज टेल मी प्लीज। अब ये जो है ये कहीं भी जाता होता जो कि स्वदेश जिसने देखी उसको याद, What can I do for you, sir? Please tell me. अब वो हमको चाहे वो एरोप्लेन से जा रहा हूँ, चाहे वो कार से जा रहा हूँ, चाहे वो क्या कहते हैं अपने ट्रेन में जा रहा हूँ, पहचानने वाले तो चाहे मिलिट्री के हो, चाहे वो कार में काम वो ट्रेन में काम करने वाले हो, चाहे वो क्या कहते हैं उनका क्रू हो एरोप्लेन में, वो लड़कियों से लेकर के लड़कों तक का पायलट भी कभी कभी पहचान के आ जाता है, पीठ पे ऐसे करके चला जाता है, क्या बात। तो अच्छा लगता है यार, बहुत बढ़िया। आज व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इनफैक्ट आपने आज जो धार किया है अपने अपने टैलेंट्स का, आपने बहुत कुछ करा। अब वो एक दिन आएंगे आपके पास बोलने के लिए कि सर राजेश सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, वो दुआ करता हूँ मैं। चलते चलते आखिरी में हम सिर्फ जानना चाहेंगे वो आपकी सिर्फ क्योंकि आज आप एक सफल कलाकार हैं और आप ये डिजर्व करते हैं, इस पोजिशन पे डिजर्व करते हैं कि आज आप गुरु हैं उन सारे टैलेंट्स के लिए, वो जो फिल्में आपकी देखते हैं और वो आपकी इतना फेमस बनना चाहते हैं, तो आप के द्वारा आप तीन मंत्र, ये जो गुरु मंत्र जिसे बोलते हैं अपने टैलेंट जो आपके फैन भी हैं उनको, आप तीन मंत्र क्या देना चाहेंगे जो आपकी तरह फेमस हो सके और एक दिन वो बाकायदा जो है अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर सके, वो तीन चीजें क्या हैं? वो है अभ्यास। पहला है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अपने शरीर को स्वस्थ रखने की पहला मंत्र ये है कि आप फिट रहे, बीमार ना पड़े। आपको कोई अगर कॉल करे, आपसे कोई बात करना चाहे, तो सबसे पहले आप सांस भर लीजिए और काम को कीजिए। सांस पहले सांस तो भरिए, पूरी सांस नहीं लोगे तो फिर सांस नहीं भर पाओगे तो काम अधूरा हो जाएगा। पूरी सांस लेके काम करना शुरू करो, पूरी सांस लो। पहले सबसे पहले अपने कमरे में जहां पे रहते हो निवृत्त होके सवेरे सवेरे थोड़ा उठ के पूरी सांस लो, पूरी सांस खींचो, पूरी सांस छोड़ो, थोड़ा सा व्यायाम करें, पीटी करो, कुछ नहीं कर सकते तो पीटी करो, जो स्कूल में सिखाए वो पीटी कर लो, थोड़ा सा हवा में जंप कर लो, थोड़ा सा अपने को जरा सा तैयार कर लो, चाहे कोई काम हो चाहे ना हो। पहला तो ये। अब दूसरा कि अगर आपको काम नहीं मिला, आप काम चाहते हो, तो कम से कम आप उस ऑफिस में जहां फिल्म बन रही, चाहे टीवी हो चाहे सीरियल हो, वहां जाके अपना सीवी, अपना बायोडेटा, अपनी फोटोग्राफ साथ में लेके जाओ, जो कुछ भी खिंचवाया है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम बोलो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, जब मौका देंगे मैं आ जाऊंगा, कम से कम मुझे कॉल तो कीजिएगा, साल भर में एक बार तो बोल दीजिएगा, कम से कम नहीं होता साल दूसरे साल बोलिएगा। ऐसा करके इतना ज्यादा पेशेंस जिसको कहते हैं धैर्य धीरज, ये है दूसरा कि प्रयत्न करते रहो, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन, मगर काम मिले चाहे ना मिले मिलते रहो, संपर्क करते रहो। आज तुम्हारे पास भाई मैं पैदल जाके मिला हूं, ऐसी क्या बात है संपर्क करने के लिए कि भाई आए, ताला लगा हुआ है, ऑफिस भी बंद है, घर पे का घर भी बंद है, पूरा चक्कर बंबई का माल है, किसी को नहीं छोड़ा, सब जगह ताला लगा है, सब जगह ऑफिस बंद है, सब जगह सब फॉरेन गए, पूरा बंबई पूरा इंडस्ट्री फॉरेन चला गया, जिसको मैं जानता हूं वो सब चले गए। मैंने कहा यार कैसे होगा, अब बुला लिया मुझे कि आप आ जाओ, और लेने को रिसीव करने के लिए कोई है नहीं, पैसे भी इतने नहीं कि किसी होटल में जाके रहूं, जा गए अपना यार यहाँ पे अपना ये जो है बैंड स्टैंड, वहां पे तो वो शिराक होटल होता था, अब दूसरा होटल हो गया न्यू ताज हो गया, वहां पे एक बेंच थी, बुखार, लेट गया हवा आ रही समुंदर की, ठीक हो गया। रात में 2 बजे आके टार्च ला के वहां पे चौकीदार कह रहा है क्या बात है भाई यहाँ पे क्यों लेटे हो, हमने कहा यार मुझे दूध पिलाओ, मुझे कुछ वो खिलाओ, पाओ कुछ मक्खन खिलाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, यहाँ कहाँ से लाओगे, लो पैसे 100 रुपया उसको दिया, वो कहा चलो मेरे साथ गया, वहां का एम्बेसी कुछ बन रही थी नीचे, जहां पे मुझे बुलाया था अपना शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके कमरे में, तो वहां ताला लगा था, इसी बार बुला लिया, कलकत्ता से आया मैं, इनके पास था, वहां बीमार था, यहाँ पास आया, कालका की बात बता रहा हूँ, वो वहां पे ताला लगा,
अच्छा फिर उसके बाद पता चला कि नीचे मासूम राही मासूम रहता जिन्होंने पूरा महाभारत लिखी, तो उस वक्त संपर्क नहीं था उनसे। अब मैं वहां दोबारा आके ताला खुलेगा तब मैं चला जाऊँ, ताला खुलेगा तब मैं चला जाऊँ, बुलाया तो कहाँ रहूंगा भाई, सिराख होटल में रहने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि भाई फ्लाइट में आया था सब पैसे तो हमारे भाई फ्लाइट में खर्च हो गए, अभी पैसा लेना था मुझे उनसे, काम पूरा कर चुका था, डबिंग बाकी थी, डबिंग के लिए बुलाया। अब वहां पे तो उसने कहा ये है आप यहाँ पे रह जाइए, सुबह 8 बजे आप ऑफिस खुलेगा, मतलब 8 बजे छोड़ दीजिएगा। तो दूध दूध लाया और रात भर अपना वहाँ पे आराम करते रहे, दूध दूध ला के दे दिया उसने। उसके बाद में जाया, जा करके मैंने कहा ऐसी की तैसी, अब दरवाजा डबल लॉक लगा था गोदरेज का, मैंने आओ देखा ना था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा तुम सब लोग भी करो, मगर एक बात बताता हूँ कि आपको कोई बुलाए और रिसीव करने के लिए कोई ना हो तो आपकी क्या दशा होगी बताइए। कहाँ से आप आ रहे हो? कलकत्ता से आ रहे हो, मुंबई पहुंच रहे हो, पैसे जेब में इतने नहीं कि आप अपने से अफोर्ड कर सको। अब जो पार्टी आपको बुलाए, जो आपसे काम करवा रही है, वो अगर नहीं रिसीव करेगी, वो पैसा नहीं देगी, वो आप पे खर्च नहीं करेगी, तो आप क्या करोगे फिर? तो आप वही करोगे जो मैंने किया, मगर आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे नहीं मालूम, मगर हुआ क्या, दरवाजा बंद। शत्रुघ्न सिन्हा का उस पर मैं एक बार टूट टिक भी चुका था वहां पे, उनका समझ लो कि वो एम्बेसी थी, था मैंने लगाया अपना कंधे का और याद किया तीन को, एक तो मालिक को याद किया और दूसरा रुस्तम मैं कर चुका था स्टेज के ऊपर, राजबब्बर की जो वाइफ है वो नादरा जी, वो तहमीना बनी थी, और तब अनुपम खेर वगैरह ये सब बच्चे जो थे, ये बच्चे थे तो ये सब सोल्जर बने थे, इनसे तलवार दो तीन करके बढ़िया कर लेता था, तलवारबाजी एक्सपर्ट था तलवारबाजी, पूरी ट्रेनिंग ली थी वो। फिर वहां पे रुस्तम की रुस्तम को याद किया, हमने कहा अरे बाप रे बाप, माफ करना बजरंग बली रुस्तम के बाप, वो हमने कहा अरे यार उनको याद किया, बस दो को याद करके फिर अपना कंधा धीरे से टच किया, आप पूरा सांस लेकर जो मारा तो दरवाजा ही गिर गया, दोनों लॉक पुट पुट करके जैसे आंख में निकल गई और दरवाजा बड़ा आराम से गिर गया, दरवाजा खुल गया, मैंने दरवाजा सटाया, लॉक उनमें डाला, जाके आराम से लेट गया। बाद में एक आदमी आया, गिर गया सब टूट गया सब क्या हो गया, मैंने कहा जा पैसा ले ठीक कर, ये पैसा इतना तो पैसा है ठीक कर, दरवाजा भी ठीक कर वो ठीक कर, और गैस नहीं है तो गैस भरवा और मेरे लिए खाना बना, और जब तक कोई नहीं आएगा मैं यही रहूंगा। ऐसे करके पांचवे दिन तब लोग आए, जुनून जिसे बोलेंगे नहीं, ये कहते हैं हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू सर्वाइव। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात कि अब आपको साफ दर्शन हो गए, आपको काम मिल गया, अब आपको काम मिल गया तो अब वो काम जिसने आपको दिया वो काम अब आप समझ लीजिए कि वो आपका हो गया, आपका यानी कि अब आपने अपने पूरे शरीर से मन से बुद्धि से आत्मा से प्राण से उस काम को स्वीकार किया, तो ये सारी चीजें उसमें आप स्वाहा करो, ये सारी इतनी निष्ठा इतना इतने विश्वास इतने प्रेम के साथ उस काम को अपना लो कि लगे कि ये आपके लिए ही है ये काम और किसी के लिए नहीं, ये आप ही के लिए है और आप ही इसको कर सकते हो और आप ही इसको निभाओगे और आप ही इसको पूरा करोगे, पूरा करके तब सांस लो। कहने का मतलब जब तक खत्म ना हो जाए तब तक पूरी सांस लो। इस चक्कर में मैं बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मैं मिस कर गया, जैसे कि मैंने दाढ़ी बढ़ा दी थी जोशीले मिले जोगी ठाकुर के लिए, अब जोगी ठाकुर में वहां पे रिजाइन कर दिया, शेखर कपूर ने आधी फिल्म बना करके, सिचुएशन रिजवी थे बिल्डर उनको वे प्रोड्यूसर थे, उनको कह दिया आप बना लो फिल्म हम नहीं करेंगे, आप जब ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करोगे वहां पे लद्दाख में इतने हाई एल्टीट्यूड पे तो मैं फिर स्टंटमैन में कोई होगी कैजुअलिटी तो फिर मुझको आई हैव टू पे, मतलब सब मैं कैसे लड़ूंगा, तो उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया ऑक्सीजन, उसने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि दारो मदार पूरा इनके ऊपर आ गया। अब बाकी की पूरा यहाँ कालिया मैदान में अपना फिल्म सिटी में 2 साल तक सेट लगा रहा, 2 साल तक हम शूटिंग करते रहे, वहां तो उधर पप्पू वर्मा ये वर्मा जितने वर्मा जी के मदरसे जितने सप्लाई करने वाले वो सब वहां पे हमारा स्टंट जो कुछ होता था उसमें डुप्लीकेट का रोल करते थे हा? और यहाँ पे भी था गुजर गया लड़का बहुत बड़ा स्टंट मैन था वो भी अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट बनता था ईरानी ईरानी करके था वो उधर गया वो लगा रहता था जोगी ठाकुर लगा रहता था तो वहां पे कैसे कैसे करके इन्होंने कैमरे लगा सबसे पूरी इंडस्ट्री से पूछ लिया कि फिल्म पूरी करना चाहे प्रकाश मेहरा हो चाहे ये हो चाहे क्या कहते हैं अपना मनमोहन देसाई सबसे पूछा इन्होंने कोई कह रहे सब अपने अपने प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित थे सब अपने प्रोजेक्ट में बिजी है
किसी के पास यदि फुर्सत नहीं, आधी फिल्म अगर शेखर कपूर छोड़ गए तो आधी फिल्म हम बना दें, खुद इन्होंने किया, फिर उन्होंने खुद डायरेक्टर बन करके इन्होंने कैसे कैसे किया। उसमें आता था हमारे लिए कैप्शन आता था कि रीइंट्रोड्यूसिंग राजेश विवेक एस जोगी ठाकुर, ऐसे आता था उसने कैप्शन। मतलब पहली बार ठाकुर बन के आ रहा था हमें इंडस्ट्री में, विलन बन के आ रहा था, उसके पहले तो ओलिया था, तो इंजीनियर था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, चौथी फिल्म थी हमारी, बड़ी फिल्म थी, इसके लिए मुझे अल्टीमेट रिजाइन करना पड़ा नेशनल सराव ड्रामा से, क्योंकि चार महीना एकदम से हमें सर्विस नहीं छोड़ के दे रहे थे कि फिर ज्वाइन कर सके। मगर ये कहा कि अभी भी आप आए ज्वाइन करें, मगर ये अभी फेस्टिवल होने वाला है और आप ऐसे जाएंगे तो फिर पहले से मैंने सब प्लान किया हुआ था कि छोड़ दिया सब। और फिर उसके बाद फिर इंडस्ट्री में फाइनली मैं जोशीले की वजह से आया। तो जोशीले समझ लो कि उसमें ये हालत हो गई थी कि अब जब हाँ कर दिया तो सब उखली में सर दे दिया, अब मूसल से क्या डरना, हमारी बात हो गई, लग गए साहब, अब हमारा स्टंट काम चल रहा है। जो पहाड़ियों पे चले जाते हैं सवेरे 4 बजे, सूरज उगने उगता हुआ वहां से देखे ताकि हमको बल मिल जाए करने के लिए, ये परिश्रम करता था मैं, रोजाना का नियम था मेरा, एक पहाड़ी पर चढ़ना, वहां से सूरज को देखना और फिर उतर कर सांस लेना, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी थी, तो सांस लेने के लिए मैं एकदम टॉप ऑफ द फील जाता था, ये डेली का नियम था। तो वहां मैं सबसे ज्यादा स्वस्थ था, मैं बॉस था, 40 डाकुओं का सरदार था मैं, घोड़े भी, बाकी 40 डाकू आए उसी वक्त बैरंग वापस कर दिए गए, क्योंकि सब रास्ते में नशा करते हुए आए थे, चरस ये गांजा अफीम ये फलाना क्या कहते हैं शराब ये तवा तुड़ी सब वापस, सबको वापस कर दिया, फिर 40 मंगवाए। मगर 40 घोड़े जो थे उनकी मालिश होती थी, रम से मालिश होती थी, क्या होता था कैसे होता था उनको मेंटेन करना। और हम अपने लिए क्या करते थे, हमने खुद चुना हुआ था, खिचड़ी खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, और खिचड़ी में सब वेजिटेबल्स डाल देते थे और सब ऐसे करके वहां पे जिस होटल में रहता था वहां पे बस खिचड़ी बनवा लिया सुबह शाम, दूध की चाय पीना, बस हमको पावर मिलती रही है और मैं स्वस्थ रहा आखिर तक मैंने किया वहां पे। मगर 15 दिन जाने के बाद बता रहा हूँ, 15 दिन तक मेरी आवाज नहीं निकली और 15 दिन तक खाली स्टंट काम होता रहा और डायलॉग नहीं मिला, डायलॉग जिस दिन मिला उस दिन आवाज आ गई अपने आप, मैं शर्म के मारे किसी को बोलने नहीं गया, पूरी यूनिट में किसी को पता नहीं, जबकि डॉक्टर था खास था मेरा आदमी था, मतलब मेरा आदमी इसे कह रहा हूँ, यूनिट का यूनिट से भी पहले वो मुझे जानता था। इसका मतलब ये हो गया कि पेशेंस सतीश कौशिक डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर बाबा 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 ये आपका डायलॉग 15 दिन हो गया है आवाज से ज्यादा निकलती नहीं, अब मुझे मालूम है 15 दिन तक मैं किसी को बताया नहीं, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मैं सतीश नहीं बोल सकता, मैं शेखर नहीं बोल सकता, मैं मेरा नाम राजेश विवेक है मैं बोल नहीं सकता, उपाध्याय हूँ ये भी नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं, बस अब डायलॉग हाथ में, अब मैंने आकाश की तरफ देखा, मालिक की तरफ, बस हो गया मालिक 15 दिन हो गए, अब तो दो आवाज, मालिक से शिकायत कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, हमने कहा एक टुकड़ा बादल का भेज दो, उसमें से स्वाति की बूंद की तरह एक रस टपकाओ अमृत का और मैं उसको कैच करूंगा, जैसे चना फेंक करके कैच करते हैं और मेरी आवाज आ जाएगी, इतना कर दो, मैं तुम्हारे पे इतना भरोसा है। देखा था तो ऊपर बादल नहीं था, दोबारा देखा तो बादल आ गया। अब ये दृश्य मेरे अलावा कोई देख रहा है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, लगे हुए हैं, मैंने देखा सब दुनिया लगी हुई है अपने काम में, मगर मालिक से मेरा संपर्क डायरेक्ट, मैंने ऊपर ऐसे किया बादल नहीं, मैंने कहा अब तो भेज दो मालिक, और बादल आ गया, एक छोटा सा बादल आ गया, मैंने कहा अब टपका भी दो, एक मोटी बूंद चली आ रही है और मैं कैच किया, इनहेल किया अंदर, पता नहीं क्या शहद की बूंद थी, क्या बूंद थी यार, बयां नहीं कर सकता, मैंने मुंह से मेरे निकला, सबसे पहले मैंने कहा जो सतीश ने डायलॉग दिया, सतीश मैंने कहा सतीश तो मुझे पहली बार 15 दिन के बाद मेरे ओंठ से निकले हुए शब्द मेरे कान ने सुने, मुझे लगा मैंने सतीश बोला, सबसे पहले मैंने सुना, सतीश ने कहा हाँ बाबा, अरे मैंने कहा वाह बोला, मैंने कहा यही डायलॉग, अरे बाबा आप कुछ भी बोल दो, आप क्या आपसे पूछ रहे हो, जय हो जय हो जय हो जय हो, थैंक यू सो मच मेरे मालिक राधा स्वामी दयाल। वाह,
बिल्कुल सही कहा, मैं गलत हो गया। सबसे बड़ा वैद्य बन करके मालिक ने ऊपर से बादल को आज्ञा दी कि एक बूंद है उसके मुंह में, इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है आप हमें बताइए। बिल्कुल सही, ऐसी सी बात तुम्हें बता दे तो तिले उंगली भी दबाना भूल जाओ। बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आपने बिलीव करते हैं कि पेशेंस हो, प्रैक्टिस हो, शॉर्ट है ये जिंदगी में, जो जीवन में मैंने जो अनुभूति है मेरी मालिक से डायरेक्ट संपर्क की, वो जो हमारे साथ घटना घटती है उसको कोई पिक्चराइज नहीं कर सकता, उसको कोई पिक्चराइज कर ही नहीं सकता। उसके आधार पे उसकी याद में हम भले शॉट बना ले मगर उस वक्त वही कैप्चर करता है, क्योंकि उसने बनाया है कुदरत, उसने बनाया है फितरत, उसने बनाया इंसान, उसने बनाया है पूरी प्रकृति, वो कैच करता है, वो जानता है, तो उसी से डायरेक्ट बात करना यानी सबसे बड़ा वैद्य है, सबसे बड़ा वो जिसको कहते हैं बादशाह, सबसे बड़ा वो जिसको कहते हैं कि वो राजा भी है तो प्रजा का ख्याल करने वाला है, प्रजा उसके लिए कातर तो हो, प्रजा उसके लिए प्रार्थना तो करे, उसकी तरफ ध्यान तो दे। ऐसे पाठ कर रहा हूँ, ये पंखा चल रहा है और मैं खाली हूँ और कमरे में बैठा, एंटा फील की बात है, ऐसे पढ़ रहा हूँ। खिड़की में से एक परिंदा आता है, कबूतर, और पंखे से लड़ जाता है और उसकी गर्दन छटक के इधर चली जाती है, बॉडी उधर चली जाती है और मैं तड़प जाता हूँ, अरे मालिक क्या हो गया, पंखा क्यों चलाया मैंने, क्यों ये गिर गया, रोने लगता हूँ, मैं तब नहीं आता, अब इतना दुखी हो जाता हूँ, देखता हूँ कि पाठ भी पूरा नहीं हो, मैं माँ वाली किसको जिंदा कर दो, फौरन जिंदा कर दो, ऐसे नहीं मत करो, मैं अपने वो पढ़ लेता हूँ, पंखा बंद करता हूँ पहले। वो गिरा, वो उधर गिरा, उठता हूँ उसका बॉडी लेता हूँ, उसकी खोपड़ी लेता हूँ, उसके ऊपर रखता हूँ, ए मालिक इसको ठीक कर दो, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, हमें मालूम नहीं है, हमने उसको धीरे से जमीन पे रखा, बहुत धीरे से, और मालिक से कहा मालिक इसको ठीक कर दो, देखो आँख में पानी आ गया, तो जब आँख पानी आया ना तो हमेशा सब ऐसे ले लेना चाहिए, मालिक का प्रसाद है। उसके गाल पे एक लाल रंग की धारी, जैसे उसने माला पहनी हुई लाल रंग की धागे की, वही ब्लड का निशान। मैंने कहा बस अब जुड़ गया ना मालिक, अब इसको उड़ा दो, पलक झपकते गिनाया वो, और उसकी गर्दन लटक के नीचे नहीं आई, जकड़ लिया उसने, उसी वक्त पकड़ लिया, जैसे गोंद गोंद से चिपक गई, गोंद से चिपकाते गोंद, वो ब्लड गोंद गोंद बन गया, ब्लड ब्लड गोंद बन गया, उसी का ब्लड। अभी मेरी प्रार्थना क्या, ये मेरी विवशता थी, ये मेरा दुख था, बहुत बड़ा दुख, मुझे झटका लगा था कि मैं अगर कमरे में हूं और कमरे में अगर पंखा चल रहा है और पंखे में अगर कोई परिंदा आ गया तो मेरी वजह से ये मरा है, और मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए, ये ठीक हो जाए, नहीं तो मैं तड़प जाऊंगा, क्योंकि ये तड़पा है, ठीक हो जाए। और उड़ा और उड़ करके सीधे जंगले में जाके बैठा और फिर वहां से आकाश में गया। अब ये तुम सोच लो, ये मैं कर सकता हूं, मैं तो सांस ले रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है यार, मैं सांस लेता रहूं बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, फिर सांस में मालिक का नाम होना चाहिए बस। तो ये मिरेकल्स है, ये हम तुम्हें बता रहे हैं, इसके पहले शायद मैंने अपनी वाइफ को ये बताया होगा, बच्चों को या तो बताया होगा, और किसी को बताया नहीं, और तू मुझे इसको बता रहा है। थैंक यू सो मच राजेश जी। ये हैं राजेश जी जो बिलीव करते हैं प्रैक्टिस, पेशेंस और पावर ऑफ गॉड। दोस्तों ये थे राजेश जी जिन्होंने अपना कीमती समय देकर एक इंस्पिरेशनल, रादर मैं बोलूंगा एक एनर्जेटिक मैसेज आपको दिया है, ताकि आप भी इनकी तरह फेमस बन जाए। चलते चलते मैं इतना ही बोलूंगा राजेश जी, और हम दुआ करते हैं राजेश जी का कि भाई राजेश जी 100 साल जिए, और जैसे 37 साल इंडस्ट्री में राज किया है और 73 साल और राज करें इंडस्ट्री में। बल्कि मैं इतना बोलना चाहूंगा कि राजेश जी से ये बातचीत जो है हमारी, ये तो बहुत ही कम हुई लेकिन अनफॉरगेटेबल बातचीत है। मैं इतना बोलूंगा कि राजेश जी वाकई में आप एक बिल्कुल एक जेम है, एक गोल्ड है, और वाकई में आपकी बातें सुनकर मजा के साथ साथ कुछ सीखने को मुझे भी मिला। थैंक यू राजेश जी फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम टू द टैलेंट वर्ल्ड। थैंक यू सो मच रचित मल्होत्रा। अभी क्या है कि जिस तरह से तुमने हमारे गुणगान गाए हैं यहाँ पे, वैसे ही मैं डिट्टो तुम्हारे लिए कहता हूँ कि तुम भी जेम ऑफ पर्सन और गोल्ड, सॉलिड गोल्ड हो। क्यों? क्योंकि
ये प्रेरणा जो होती है किसी से भी मिलने की या किसी से बात करने की या किसी से पहचान बढ़ाने की या उससे कुछ हासिल करने की, तो ये मालिक की तरफ से ये आता है संदेश, जो कि आज हम लोग SMS कर दें, MMS कर दें, कुछ भी कर दें और कैसे भी करके गूगल पे, हाँ विकिपीडिया चारों तरफ अपना स्टोर कर लें, सर्च कर लें कि ये है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर संदेश डायरेक्ट जो आता है वो स्पिरिट टू स्पिरिट है, वो हमको नहीं पता चलता है, वो मालिक जानते हैं और मालिक ने जिसको आदेश दिया है कि ये सेंड टू दिस मैसेज टू रचित, ताकि वो मुझसे मिल ले और उसका भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा और संपर्क भी हो जाएगा और इस तरह से संपर्क बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में और पूरे वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ कहते हैं, पूरा वसुधा से लेके पूरा सब कुछ जो है हमारे, कोई क्या जात पात ये तो छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है, मगर हम सब इस वसुधा पे रहने वाले, सब एक दूसरे से संपर्क करते रहे, ये उसका आदेश होता है, तभी ये संभव होता है। इसलिए मैं आपको भी अपने हृदय से खूब शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि आप खूब आगे बढ़े और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और आपके सब मनोरथ पूरे हों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, माय पर्सनल थैंक्स टू यू आल्सो, आपकी ब्लेसिंग्स ही मेरे लिए बहुत एक उत्तेजना का काम करेगी और मेरे जीवन में आग का काम करेगी। थैंक यू सो मच।